बड़ा वकील पता है कौन बनता है कि दूसरी दफा वो वकील आके बैठे तो जज को उसका नाम पता हो कि ये वो है। मैंने पाकिस्तान में शायद ही कोई केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होते देखा। ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, सिविल के स्टैंडर्ड पे क्रिमिनल केसेस यहाँ पर डिसाइड होते हैं। पहले अंडरस्टैंड करें कि बेंच किस पॉइंट पर आपसे असिस्टेंस मांग रहा है, उसके ऊपर केस लॉस कितने हैं, वो कितने मेंबर बेंच के केस लॉज हैं, डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं या नहीं है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, लेटर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, फॉर्मर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, बुलेट पॉइंट्स की तरह क्लैरिटी से आप कहें कि ये पॉइंट नंबर वन का जवाब है, ये दो का, ये तीन का, ये चार का। नो दाय जज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा मलिक साहिबा के पास एक दफा कोर्ट में पेश हुआ ऑरेंज लाइन के केस में, रीड किया मैडम को, मैंने कहा ये बहुत तफसील से केस सुनेंगी हमसे। मैडम ने चार दिन लगातार वो केस सुना। जवाद साहब ने कहा अगर 1,000 रुपया अपनी फ़ी में से 2,000 रुपया एलोकेट कर दो इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग योर फाइल, केस लॉ विद इंडेक्स, और जजेस को हाईलाइट करके टैग लगा के वो देना शुरू करो, देखो तुम्हारी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स आती हैं। जजेस वांट असिस्टेंस, दे कोई नहीं रहा। पाकिस्तान में डिसअपीयरेंस इतनी ईजी हुई है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का यहाँ पर ट्रेंड इतना ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दैट यू विल नॉट शो अप। आई वुड से कि FIR का कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, 154 का। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द जज, फाइंडिंग ऑफ द गिल्ट और इनोसेंस, योर ड्यूटी इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस ओनली। कामयाब लॉयर भी वो है जिसके सरहाने राइट या लेफ्ट ऑफिस या घर पर रसाला पढ़ाओ SCMR का, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का और PLD का। ओनली फ्यू ऑफेंसेस विटनेस कंप्लीट ट्रायल्स इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस आर ओनली परसूड, फॉलोड, कंटेस्टेड ओनली टिल बेल स्टेज। दे हैव नो इंटेंशंस ऑफ प्रूविंग द एलिगेशंस। करने वाला एक या दो होते हैं, मुलविस 11 या 12 को कर दिया जाता है, कोई ललकारा है, कोई जफ्फा है, कोई मशवरा है। प्लीज इनकरेज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू कम बैक, जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, प्रूव हिज इनोसेंस और अलाउ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर चार्ज एंड गिल्ट। 10-12 चीजों को जब हम कंसेंसस से क्रिमिनल लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से बुला लें, वो कहें कि ये करो, तो आप देखो जरा मुसीबत कैसे डलती है, कैसे फॉल्स इम्प्लीकेशन और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ओवरनाइट कम होता है। आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक आप कन्विंसिंगली आप बताएं ना कि मेलाफीडे और अल्टीरियर मोटिव क्या है, पूरे केस में आइडेंटिफाई करें उसको। वकला अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि जज साहब पूछ क्या रहे हैं, और ये सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है कि सर मैं उसका जवाब भी दूंगा, पहले मेरी बात सुन लें। सबसे बुरी बात, इफ यू आर अ जज यू आर श्योर 99.9% ही इज इनोसेंट, व्हाट वर्डिक्ट विल यू ब्रिंग? मैंने कहा सर नॉट गिल्टी। मेडिकल की कोई बात आ जाए, ऐसी ग्राउंड जो एग्जिस्ट करती थी और आपने तब ली ना हो, वो एंटरटेन नहीं होगी। तीन चीजों का स्कोप बहुत नैरो है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, एडिशनल एविडेंस और कैंसिलेशन ऑफ बेल। जब आप बेल एप्लीकेशन अपनी तैयार करते हैं, प्री अरेस्ट ने जुर्म पूरे लिखे, कंप्लेनेंट को जरूर पार्टी बनाएं। क्रिमिनल में ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, सिविल में फिर कुछ बची हुई है। अंग्रेजी खुद लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आपको केस लॉ से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। टू बी अ सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर इट इज ओनली हार्ड वर्क, देर इज नो अदर रेसिपी, देर इज ओनली प्रोफेशनलिज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अहमद कयूम। It is indeed a pleasure and an honor to be here and to giving me an opportunity to interact with you. I always had my reservations and apprehensions as soon as the law schools in Pakistan, they issued degrees, LLB degrees, the basic degrees to the graduates, entitling them, giving them the license to go and appear in the courts. But I was always convinced that acquiring a degree would not equip you with the necessary skills that are needed to appear in the courts. Skills such as conference, skills such as negotiation, skills such as drafting,
and skills such as advocacy, speaking in the court. These are very, very essential skills which every lawyer must possess. And unfortunately, none of the law schools. Arranging occasional moot courts is not the solution. Or having competitions, you know, once a year for 3-4 days in which only limited number of students would participate would not equip you, would not train you enough to appear in the courts. The way United Kingdom operates, they have a mechanism to prepare you for the courts whereby you get admission in the bar vocational courses known as the BVC, where you learn basically how to speak and how to interact. I still recall my first day at the bar school, where there was Oxford, Cambridge, King's College, UCL, London School of Economics. Leading institutes were at the bar school. And it was not just the Pakistanis or Indians or Bangladeshis jinki English mother language nahi thi, mother tongue nahi thi. I saw students who were very fluent, who were British, who were Europeans, and they had difficulty in speaking at the rostrum and at the podium. So pehla din bar vocational course mein tha ki wo aapko 3 minute ki ijazat hoti thi ki aap 3 minute apne marzi ke topic par aap guftgu karein. Aur aakhri din wo hota tha jab judges baithe hote the crown court ke, house of lords ke, camera lage hote the, recordings ho rahi hoti thi. Aur at the 11th hour bahar aapko ek civil case thamaya jata tha jisme aapne stay lena hota tha, इंटरिम रिलीफ लेनी होती थी, या आपने बेल लेनी होती थी, या आपने प्लेन मिटिगेशन करनी होती थी. एंड यू वुड ओनली हैव 15 मिनट्स टू गो थ्रू योर केस, टू प्रिपेयर योर ब्रीफ एंड वॉक इनसाइड. एंड यू वुड नॉट नो द ब्रीफ विच यू विल गेट वुड बी सिविल, क्रिमिनल, बेल, सस्पेंशन, रिट, प्लेन मिटिगेशन. सो वो एक सरप्राइज होता था. और आपको उन 15 मिनट की तैयारी पर, क्योंकि वो कहते थे लॉयर शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ये क्रिटिसिज्म आज मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है. मेरे उस्ताद मरहूम ख्वाजा सुल्तान अहमद डांटा करते थे, सैटरडे को प्राइवेट कपड़े पहनाए, कोई अगर अभी साइल आ जाए तुम्हें अदालत में ले जाने के लिए तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. सो यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ तो क्यों नहीं पहना हुआ. तो हर वक्त प्रिपेयर्ड रहो, किसी भी वक्त कोई क्लाइंट आएगा एंड ही विल टेक यू टू द कोर्ट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन यूनिफॉर्म, मेंटली alert. So be ready for all eventualities when you are in practice. मैं अहमद कयूम साहब को, मैडम रुश्ता लोधी को और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा for organizing, arranging and setting this much needed trend. This is the need of the hour. पूरे मुल्क में अगर आप देखें कि इतना डिक्लाइन और डिटूरिएशन है हर तरफ, तो हमारा प्रोफेशन, मैं आज लॉ स्कूल से आ रहा हूं और मैं ये बात कह के आया हूं कि लॉ डिग्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी पॉपुलर हो गई है. ये पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी आप पॉपुलर हो गई है. लॉयर्स कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉयर्स की विजिबिलिटी, लॉयर्स का रोल, आप टेलीविज़न खोल के देख लें, जुडिशरी का रोल, इट हैज़ गेन्ड इनॉर्मस इम्पॉर्टेंस लेटली. तो इस तरह का कोर्सेस से आपको यकीनन एक क्रैश प्रोग्राम, यू विल हेयर वैरायटी ऑफ स्पीकर्स, उनके एक्सपीरियंसेस, एंड बाय द टाइम यू विल एंड दिस कोर्स आप अपने आप को बहुत मुख्तलिफ पाएंगे. मैं एक चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि मुझे जहाँ से इल्म मिलता है मैं उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ. मैं दो बातें करूँगा, बहुत मैच्योर ऑडियंस बैठी हुई है, बैरिस्टर अहमद कयूम भी बहुत जल्दी मेरी बात पिक कर लेंगे. मैंने दो लॉयर्स को देखा असिस्टिंग द कोर्ट इन द कैपेसिटी ऑफ अमाइकस. लेटली मेरी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं एज एन अमाइकस, and I have picked up styles from amicus and it has worked like anything. I liked a style, I adopted it, I implemented it, I executed it before larger benches.
इनिशियली मुझे नहीं पता था कि इन द कैपेसिटी ऑफ अमाइकस मुझे किस तफसील में जाना है, किस डिटेल में जाना है, बेंच को कैसे चलाना है, कैसी असिस्टेंस देनी है कि उनका पेन जो है वो चलता रहे और मेरा कनेक्शन जो है वो बना रहे और रब्त ना टूटे। सो मैंने लर्न किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जो जल्दी से फटाफट ऑब्ज़र्व किया, कुछ लोगों को अमाइकस के तौर पे मखदूम अली ख़ान साहब को, मुनीर मलिक साहब को, अश्तर उसाफ साहब को, ख्वाजा हारिस साहब को असिस्ट करते हुए, तो उनके स्टाइल से जो जो चीज़ें मिलती हैं वो उठा लो और अपना लो, और उसी तरह ये एक जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। सो एक ये चीज़ थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, कैसे असिस्ट किया जाता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कितनी टेक्निकल, कितनी सेंसिटिव, यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली द डूज एंड डोंट्स, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता, इट नेवर एंड्स। यूनाइटेड किंगडम इज़ अ फर्म बिलीवर, जजेस शुड ऑल्सो अंडर गो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज, मॉडर्न एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, एप्रिसिएशन, DNA कैसे करना है। सो ये कोर्सेज सिर्फ वकला के लिए नहीं है, ये हमें जब जहाँ जिधर हमें कोई बेहतर चीज़ नज़र आए, प्लीज़ बी ऑन अ लुक आउट टू अडॉप्ट इट। मैं अहमद क्यूम की एक चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ और कदर करता हूँ कि काश वो स्किल मेरे अंदर आ जाए। पाकिस्तान में कोई एक वकील मुझे नज़र नहीं आता जो क्रॉसवर्ड खेलना जानता हो, जिसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो, जो लिख कर फिर कहता है नेल्ड इट अगेन। तो वो ये आदत है इनकी, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो लफ्ज़ उठाऊँ और अपने दादा का एक मशवरा, जो अंग्रेज़ी का नया लफ्ज़ सीख लो विद इन 72 आवर्स, ज़बरदस्ती दबड़ गुसर करके उसको अपने गुफ्तगू में यूज़ कर लो एक दफ़ा। 72 घंटे में यूज़ कर लोगे, फॉर लाइफ दिमाग में स्टोर हो जाएगा, सिस्टम में रह जाएगा, और अगर नहीं यूज़ करोगे तो डिलीट हो जाएगा। सो आपने 4 अमाइकस क्यूरे का जिक्र किया, उनमें से आपने ईच में से क्या क्या चीज़ उठाई? आप जो कह रहे थे कि देखिए, जो मेन पॉइंट्स मैंने उठाए कि जजेस व्हेन दे कम, सबसे पहली बात, नो दाय जज। जो जजेस बैठ ही 2:30-3 बजे रहे हैं, जैसे कि आपको जगाना लंच के बगैर बाद एक चैलेंज है। मैं 9 बजे आता तो मेरा काम आसान होता, ज़रा रिलैक्स लेक्चर देता। लंच के बाद आपकी तवज्जो इंटैक्ट रखना, ये सराउंडिंग्स की बात है। मुझे अहमद क्यूम साहब ने पहला लेक्चर दिया था लॉ ऑफ FIR पे, रमज़ान जुमा शदीद गर्मी लाइट गई हुई। मैंने कहा आप मुझे किन कंडीशंस में बॉलिंग करवाना चाह रहे हैं? मैंने कहा कॉल ऑफ करें ये ना माने। वो लेक्चर दिया, वो एक सुपर हिट लेक्चर गया, आज दिन तक वो लॉ ऑफ FIR पे मौजूद है। सो टेस्टिंग कंडीशंस में खड़ा कर देना कि अब ज़रा आप आर्ग्यू करें। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस आर्ग्यू कर रहा था तो किसी ने कहा सर अभी इतला आई है कि कोर्ट में सुइसाइड बॉम्बर आया हुआ है। तो मेरी एडवोकेसी कहाँ, मेरी गुफ्तगू कहाँ, सोच कहाँ? DB मेरे सामने है, बेनज़ीर भुट्टो का केस आर्ग्यू हो रहा है, मुशर्रफ साहब साथ हैं, बॉमर कोर्ट के अंदर है, तो किधर जानी है आपकी एडवोकेसी? बट यू हैव टू कीप योर अटेंशन इंटैक्ट एट ऑल टाइम्स। आपका जवाब देता हूँ सर, एक तो यही देखा कि एज एन अमाइकस आपको बुलेट पॉइंट्स में आपको विद क्लैरिटी पहले अंडरस्टैंड करें कि बेंच किस पॉइंट पर आपसे असिस्टेंस मांग रहा है, रीड करें कि वो कहां पर उनको कंफ्यूजन है, जहां पर क्लेरिफिकेशन वो देना चाह रहे हैं या आपसे असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, उसके ऊपर केस लॉज कितने हैं, वो कितने मेंबर बेंच के केस लॉज हैं, वो 3 मेंबर है, 5 मेंबर है, लार्जर बेंच है, डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं या नहीं है, उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, लेटर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, फॉर्मर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, और आप बुलेट पॉइंट्स की तरह क्लैरिटी से आप कहें कि ये पॉइंट नंबर 1 का जवाब है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, चाहे हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ना उनके पास इतना है जो अपनी पूरी कॉज लिस्ट एग्जॉस्ट करने के बाद 3:30 बजे आके बैठें या 2 बजे आके बैठें तो आपको 2-2, 3-3 दिन सुने। सो पहले आप ये भी रीड कर लें बेंच को, बेंच कितनी देर आपको सुनना चाहता है। मैंने कई दफ़ा ये बात
कहिए कैमरे पे आज फिर कहता हूँ, नो दाय जज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा मलिक साहिबा के पास एक दफ़ा कोर्ट में पेश हुआ ऑरेंज लाइन के केस में क्वाशिंग ऑफ FIR, मुख्तसर सी तैयारी जितनी हम करके जाते हैं क्वाशिंग ऑफ FIR। रीड किया मैडम को, मैंने कहा ये बहुत तफसील से केस सुनेंगी हमसे। वापस आए, अगले दिन पेश होना था, सिर्फ ट्रिप टू द कोर्ट, टेक अ ट्रिप टू द कोर्ट टू रीड द जज कि वो किस हद तक आप अपने केस को आर्ग्यू करना चाह रहे हैं। जाके मैंने 2-3 घंटे की तैयारी कर ली, तमाम केस लॉ इकट्ठा कर लिया। मैडम ने 4 दिन लगातार वो केस सुना, ये हमारी रीडिंग थी, वो सुनेंगी। फौरन रीड किया कि 15 मिनट की तैयारी तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी, तो आगे कैसे चलना है, जब लॉ वो जजमेंट अगर लिखना चाह रही हैं तो कैसे चलना है। सो जिधर से जो मिलता है, मुझे एक दफ़ा मिले जज साहब, अभी आपको आइडेंटिटी भी उनकी दे देता हूँ, तो उन्होंने चलते चलते, अभी वो जज नहीं थे, ही वॉज स्टिल अ वेरी एमिनेंट लॉयर, तो उन्होंने मुझे रोक के जवाद साहब ने कहा अपनी फाइल तो दिखाओ। मैंने फाइल दिखाई एंड आई वॉज एम्बेरस्ड टू शेयर फाइल ऑफ अ क्रिमिनल लॉयर, जो कि आपको पता है फौजदारी के वकला की फाइल कैसी होती है, मगर मेरे पास केस लॉ मौजूद था। उन्होंने कहा आप अगर 1,000 रुपया अपनी फ़ी में से 2,000 रुपया एलोकेट कर दो इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग योर फाइल केस लॉ विद इंडेक्स, और जजेस को हाईलाइट करके टैग लगा के वो देना शुरू करो, देखो तुम्हारी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स आती हैं, जजेस वांट असिस्टेंस, दे कोई नहीं रहा। सो एवरीवन वांट्स टू हैव देयर केक एंड ईट इट, बट नो वन इज़ गिविंग दैट केक। मैंने उनकी उस बात पर, ये आपको वो बातें कर रहा हूँ कि जो जहाँ से मिलता है ले लो और अपना लो और अडॉप्ट कर लो। मैं आज भी, सो पहला काम जो मैंने किया, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अमाइकस में बाबर सतार साहब को पूरा केस लॉ दिया कि सर ये इंडेक्स है, ये सफ़े हैं, ये मार्क्ड हैं, ये टैग्स हैं, ये हाइलाइटेड पोर्शंस हैं, आपका टाइम भी कीमती है, सफ़ा नंबर इतना, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, सो जल्दी से आप चलाते हुए आप अपना केस को जो है वो पुट करें और प्रेजेंट करें। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, लॉ ऑफ बेल, ह्यूज इम्पॉर्टेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। फौजदारी में 3 अहम स्टेजेस होती हैं जहां पर आपका साइल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंस ले जाती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द बेल एप्लीकेशन स्टेज, द सेकेंड स्टेज इज कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस के बाद, एंड द थर्ड स्टेज इज अपील। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल to lay your hands on bail application brief at some stage, sooner or later, the likelihood ke sabse pehle aapke haath mein kya cheez aayegi wo bail application hai, shayad wo trial na ho, shayad wo appeal na ho, chahe wo high court na ho, wo supreme court na ho, wo writ na ho, bail zarur haath mein aayegi. Aur bail ka Pakistan mein importance in proceedings ki are huge, huge because false implication is huge, wider nets are huge, in one FIR so many people are implicated without any justification that right of bail becomes essential, it keeps judges occupied, the lower judiciary, subordinate courts, the high courts. So mere liye sabse bada shock ye tha, मैं जब इंग्लैंड से 5 साल की वकालत करके आया तो मुझे कहा कल 302 की बेल करानी है। मैंने कहा 302 की तो बेल नहीं होती, तो मुझे अब समझ आई है कि बेल होती है 302 की है, इतनी बेलें होती हैं 302 में, मगर पहली सोच थी 302 की तो बेल नहीं होती, वो तो हो ही नहीं सकती। मगर ट्रेंड्स आप देख लें कि पाकिस्तान के ट्रेंड्स क्या हैं, उन ट्रेंड्स की वजह से misuse of FIR, misuse of 154 की वजह से, false implication की वजह से, FIRs being treated as gospel truth, बार बार क्यों lately? So पहली judgment, हम अब context से हटे हैं, मगर पहली judgment जिस पे repeatedly अब फैसले आ रहे हैं, सुगरा बीबी का reported case, double FIR के अंदर और followed by another,
और यासिर अराफात का केस विच आई कैन थिंक ऑफ, कि स्ट्रेट अवे अरेस्ट ना करो, कोई ज़रूरत नहीं होती, हर मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं लेनी, जेल्स ओवर बर्डन नहीं करने, देखना है कि ये इसमें इम्प्लीकेशन में बाय इनकार्सरेशन व्हाट यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड, ये जेलों की ओवर क्राउडिंग ना हो जाए इससे, मगर देखा नहीं जाता और बेल को ऑन वेरी फ्लिम्सी एंड वेरी वेग ग्राउंड्स देखा गया है कि गिरफ्तारी भी ले ली जाती है, जिसको हम स्ट्रेट अवे अरेस्ट्स बोलते हैं, जिनको डिस्करेज कर रहा है रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट, डू नॉट इंडल्ज इन स्ट्रेट अवे अरेस्ट्स विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मैं अगर आपको फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन बताऊं पाकिस्तान से बाहर, तो सारी फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन अगर बेल डिक्लाइन करती है तो दो तीन बातों पर करती है। सबसे पहली बात, ही विल डिसअपीयर एंड वैनिश। दिस इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। कराची जाएं, बहुत फ्रैंकली ड्राइवर्स बताते हैं, जब आप बताओ कि सर केपीके में मेरे ऊपर पर्चे हैं तो मैं कराची आ गया हूं, कराची वाले से पूछें तो वो केपीके चला गया होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे होता है ना डिग्रीज का, तो पीओस का, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम है, सेफ हेवन्स हैं। तो पाकिस्तान में डिसअपीयरेंस इतनी इजी हुई हुई है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का यहाँ पर ट्रेंड इतना ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दैट यू विल नॉट शो अप, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर पुलिस टू ट्रेस यू एंड टू टेक यू बैक इन टू द कस्टडी। Anyone who knows, so anyone who's not a flight risk, anyone who's not likely to abscond, anyone who is not likely to repeat the commission of similar offense, or anyone who's not a threat to the community, to the society, is normally allowed bail abroad. फॉल्स इम्प्लीकेशन वहाँ है कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली 2022 हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त जजेस, आई थॉट कि वो जाते जाते ज़रूर कोई एक मैकेनिज़म दे जाएंगे कि फ़ौजदारी का निज़ाम बेहतर हो जाए, मगर फ़ौजदारी का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। और अगर मुझसे कोई क्विक सॉल्यूशंस पूछे कि व्हाट इज़ योर क्विक रिकमेंडेशन को इनको कैसे इस निज़ाम को बेहतर करना है, तो आई वुड से कि FIR का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें, 154 का, कि सिग्निफिकेंस को ख़त्म ना करें, कटेल कर दें, इसकी इम्पोर्टेंस को हम कम कर देते हैं, हम 173 की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम्स इनटू एक्शन, ही कम्स इनटू मोशन, ही इन्वेस्टिगेट्स, ही इंटेरोगेट्स, और 173 की रोशनी में within 14 days, within 21 days, practical time दे दें उसके अंदर, वो formulate करे अपनी findings और उसके ऊपर, और उसका काम ये ना हो कि मेरी तफ्तीश में सही गुनाहगार पाया गया, this is not your task, this is the duty of the judge, finding of the guilt or innocence, your duty is collection of evidence only, you collect evidence, you place it prima facie, sufficient evidence indicating the involvement of the accused with the crime. So, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं law of bail के ऊपर ही अपनी गुफ्तगू को restrict करते हुए मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूँ और slides की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो लाऊँगा। First slide deals with the philosophy of the bail. देखें, रिमांड तीन किस्मों का होता है, थ्री काइंड्स, फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड एंड रिमांडेड ऑन बेल। यू आर रिमांडेड ऑन बेल एज एंड व्हेन एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड यू विल अपीयर बिफोर द कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द कोर्ट आफ्टर फर्निशिंग श्योरिटी अमाउंट्स आप यू विल कम बैक ऑन अ स्पेसिफाइड डे यू विल शो अप
सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट लॉ ऑफ बेल ने बड़ी कॉन्स्टेंट चेंजेस देखी हैं. और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कामयाब डॉक्टर भी वो है और कामयाब लॉयर भी वो है जिसके सरहाने राइट या लेफ्ट, ऑफिस या घर पर, अगस्त सितंबर का रसाला पढ़ा हो, SCMR का, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का और PLD का, और उसको देखता रहे. यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट व्यूज. दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स सीनियर देखे हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, पुरानी डायग्नोसिस, पुरानी मेडिसिंस प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं. और मैं प्रेफर करता हूँ सीइंग समवन यंग, एनर्जेटिक, एक्सेसिबल, अवेलेबल, कि उस डॉक्टर से मिला जाए जो 2022 के तकाजों के मुताबिक आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता. तो अपने आप को देखिए, कितना चेंज आया. पेंडेमिक था, कोरोना था, उसमें बड़े खुले दिल से बेलें दी गई कि निकालें अंदर से लोगों को जिनका निकालना बनता है उनको. सो हमने ये रिसेंटली देखा. मगर अब दोबारा हम बहुत सारे मुल्क तो अभी भी कोरोना से बाहर नहीं आए, बट हम लोग तो बहुत पहले से निकल आए हैं. अब आप कोरोना की एप्लीकेशन आप दें कि आए मानवेल तो कहेंगे कल आ जाएं, कोई 14 दिन की डेट नहीं डलेगी. वो अब दैट एक्सक्यूज इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. तो पूरी दुनिया में आपकी डेप्रीविएशन ऑफ लिबर्टी को बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज किया जाता है. आपकी कर्टेलमेंट को, कन्फाइनमेंट और कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को, इसको गोल्डन स्केल्स में वे अप किया जाता है कि इसको किन सर्कमस्टांसेस में इनको डिनाई किया जाए. सो पाकिस्तान में अभी भी जो अब बात आपसे करने लगा हूँ, ये मैंने कुछ अरसे में मैंने ये बात अंडरस्टैंड की और सीखी, और जजेस को ये आर्ग्यूमेंट 3 अदालतों में मैंने दिए और तीनों में उन्होंने अप्रिशिएट किया ये आर्ग्यूमेंट. मैंने कहा सर, बाज मुकदमे सिर्फ पगड़ियां उछालने के लिए रजिस्टर किए जाते हैं, और कंटेस्ट और आर्ग्यू भी सिर्फ बेल एप्लीकेशंस की हद तक किए जाते हैं. जिस दिन बेल हो जाती है, कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन, दे लूज देयर इंटरेस्ट इन दैट केस. एंड दिस इज सो ट्रू. ओनली फ्यू ऑफेंसेस विटनेस कंप्लीट ट्रायल्स इन पाकिस्तान. मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस आर ओनली परसूड, फॉलोड, कंटेस्टेड वहीमेंटली, वसिफरसली, ओनली टिल बेल स्टेज. दे हैव नो इंटेंशंस ऑफ गोइंग इन टू द एविडेंस और कंप्लीटिंग द ट्रायल और प्रूविंग द एलिगेशंस. तो हर वो मुकदमा उसकी आउटलुक देखा करें कि ये मुकदमा सिर्फ जमानत की हद तक ही बस चलना है, या इसने आगे ट्रायल देखना. अब 302 का मुकदमा, उसका ट्रायल होना है. बहुत सारे 489F के मुकदमे बेल हो गई, बात खत्म हो गई जी. पर बहुत सारी पार्टीज हैं, मैं लोगों को कहता हूँ डोंट बी डिसअपॉइंटेड. बेशुमार ऐसे केसेस हैं 489F के प्री अरेस्ट कन्फर्म हुई है, जिस दिन जज साहब ने फैसला दिया है 3 साल की सजा हुई है, हथकड़ियाँ लगी. तो आप लोग अपने, चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे डिफेंस हो, अपनी अप्रोच को नैरो ना रखो कि ये हेयरिंग देख लें. प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए टू स्ट्रेंथन द केस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रायल एंड कन्विक्शन. उसको करेंगे तो बेल ऑटोमेटिकली उसमें रिजल्ट आएगा. तो इतना वो जिसे कहते हैं आप अपनी विजन को अपना नैरो और इतना लिमिटेड ना रखें कि ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ बेल एप्लीकेशंस. और जजेस को दे मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज देयर पावर्स स्पेयरिंगली. जब ये फील हो कि इस मुकदमे का मकसद सिर्फ लिमिटेड प्रोसिक्यूशन है, कंप्लीट प्रोसिक्यूशन नहीं है, उसके ऊपर लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम को कर्टेल करना, ये एक्सपीरियंस बड़ा अनप्लेजेंट होता है जेलों में जाना. आगे चलते हैं हम.
मैं दोबारा इंग्लिश लॉ की हिस्ट्री को बहुत, मैं इंग्लिश लॉ की हिस्ट्री पर एक बात, एक सेकंड के लिए मैं ज़रूर रुकूंगा और एक आपको बात ज़रूर बताना चाहूँगा। दिस मे कम टू यू एज सरप्राइज, मुझे ये बात मेरे उस्ताद ने बताई और जब मैंने देखी, समझी, माइंड अप्लाई किया तो बहुत मज़ा आया। उस्ताद कौन थे? ख्वाजा सुल्तान अहमद, अ लेजेंड। वो बात भी बड़ी गहरी करते थे। उन्होंने कहा ऑर्डर, जब ऑर्डर जज सिर्फ तब लिखेगा जब वो बेल ग्रांट करेगा, अगर बेल रिफ्यूज करनी है तो ऑर्डर नहीं लिखेगा। मैंने कहा सर ये तो ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा ले आओ फिर सीआरपीसी। तो सीआरपीसी 497 सब क्लॉज 4 जब मैंने देखा, ओनली इफ बेल इज टू बी अलाउड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, वरना फैसला प्री मेच्योर बेल में नहीं दे देना। क्यों कहते हैं टेंटेटिव असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेल की ट्रायल में इस्तेमाल ना करें, मगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? अगर फैसला नहीं आएगा तो हम यही कहते रहेंगे सर नहीं वो तो फैसला तो कभी हुआ ही नहीं था बेल पे, वो हमारी प्रॉब्लम है सेकंड बेल, थर्ड बेल, फोर्थ बेल, मिस यूज ऑफ बेल एप्लीकेशन पे। सो इसको जरा ये अब कमाल किया ना एम के साथ ही साथ सर, अगर वो निकल आए अभी अभी आ जाएगा, पर आप देखिएगा इसको दैट यस दिस इज ट्रू। सर 497-4 में आ जाए जरा काइंडली, 2, 3, 4। If at any time after the conclusion at the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence, it shall release the accused if he is in custody by on the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear. Zara 3 pe aa jaye kahin? Yeah, 3 sir. An officer of a court is any person on bail under subsection 1 section shall release karte hue karna hai, refuse karte hue nahi karna. Kitni wisdom hai unke banaye hue CRPC mein, aaj din tak hum usse mustafeed ho rahe, magar itne itne Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa sahab ne apne order mein kya kaha judges ke liye, wo ek ek jumla bata de jo mere mind mein aa raha hai, aapke mind mein bhi wahi hona chahiye ki shayad Afridi ka chhakka na maar de bail granting bail refusal order mein. कि ट्रायल ही आप मुलजिम का प्रेजिडिस कर दें, ऐसी बातें लिख दें, डोंट हिट अ सिक्सर इन द बेल रिफ्यूजल ऑर्डर, लिमिटेड जुमलों का इंतख के बहुत आपको, बिकॉज वही चीज इस्तेमाल होती है कल को आपके खिलाफ। तो सर वापस प्लीज उसी पे। तो जज को अगर मुशक्कत करनी पड़ेगी ऑर्डर लिखने की तो फिर वो बेल ना ग्रांट करे। अगर अगर ये वाली बीच में बात है तो then he doesn't have to bail refused. चल आप जी सर स्लाइड्स स्लाइड्स पर वापस। तो ये चीज इंग्लैंड में कोई रिटन बेल एप्लीकेशन नहीं होती, इट विल कम टू एज अ सरप्राइज, मगर रिकॉर्ड हो जाता है, कैमरा में भी स्टेनो भी रिकॉर्ड करता है। आप किसी भी दिन किसी भी स्टेज ऑफ द ट्रायल, आप इट्स नॉट जस्ट एट द आउटसेट दैट देर इज अ हियरिंग, देर इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड अ पर्सन इज अरेस्टेड दैट यू वुड मूव बेल एप्लीकेशन। आप एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है PW1 PW2 का और ऐसी बातें हो गई हैं जिसके नतीजे में दे आर रीजनेबल ग्राउंड दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, एट द एंड ऑफ द हियरिंग यू विल मेक एन एप्लीकेशन ओरल, इट्स ऑल वर्बल, कि जज साहब आई वॉन्ट टू मेक सबमिशंस फॉर बेल टूडे इन लाइट ऑफ द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट टूडे, कोर्ट आपको परमिशन देगी एंड यू विल मेक सबमिशंस। बेल एप्लीकेशन वो कहते हैं हम कोई चीज प्री ट्रायल ऑब्जर्वेशन हमने नहीं देनी, ना करते हुए ना आप लिख कर दो ना हम लिख कर देते हैं, बात जुबानी रहे तो बेहतर। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, जजेस भी ठीक कंप्लेन करते हैं, वकला मिसयूज करते हैं, सुप्रेस करते हैं, कंसील करते हैं, नहीं बताते, जजेस नाराज होते हैं, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, कितनी बेल एप्लीकेशन सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब इस पर भी कुछ लॉ क्लैरिफाई हो गया है, जजेस लिख रहे हैं आफ्टर आर्ग्यूइंग एट कंसिडरेबल लेंथ लर्नेड काउंसिल विशेज टू विदड्रॉ द बेल एप्लीकेशन,
अच्छा करते हैं लर्नेड काउंसिल, विड्रॉ करके इन लाइट ऑफ दिस हमेशा विड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल गया कुछ जजमेंट्स में कि आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ हो गई आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ कुछ जजेस लिख देते हैं एक्सटेंसिवली सुन लिया है, बात नहीं बनी, विड्रॉ कर लिया है. सो विड्रॉ करने की जो बात होती है वो अक्सर जजेस कहते हैं नो अब विड्रॉ नहीं होगी, तो आप कह रहे हैं कि सर आपकी इजाज़त से ये 4-3 पढ़ दें ज़रा, ये अब आपने ये ऑर्डर लिखना नहीं है, मेरा ट्रायल प्रेजिडिस हो जाएगा इन ऑब्जर्वेशन. और यूज़ होता है, सर इसको बेल भी नहीं मिली थी, सर ये मैं ऑर्डर पढ़ना चाहूँगा, नहीं पढ़ना चाहिए ऑर्डर मगर मैं ऑर्डर पढ़ूंगा, तो वो देखा जाता है उसको. सो बर्तानिया में बेल एप्लीकेशंस को मिसयूज़ नहीं होता. आई विश एंड होप कि हमारे पास भी कोई ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म डेवलप हो जाए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि हम इसको There is a famous presumption, of course, that presumption is always attached, innocent until proven guilty. इसको हम pre-trial incarceration बोलते हैं, pre-trial custody जो है, prior to the proving of the guilt of the charge. This is always very serious, especially in a society where false implication is rampant. The more the merrier. सुकून ही नहीं मिलता जब तक ढेरों और जजेस को इंगेज करके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंगेज करके बात एक करने वाला एक या दो होते हैं, मुलविस 11 या 12 को कर दिया जाता है, कोई ललकारा है, कोई जप्फा है, कोई मशवरा है, किसी ने ये कर दिया, किसी का फायर मिस हो गया, किसी का उधर लग गया, कोई सहूलत कार है, कोई मोटरसाइकिल लेकर आया है. सो करते करते जो है वो बहुत सारे लोग हकदार हो जाते हैं, मगर दैट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेमोंस्ट्रेट योर स्किल्स व्हेन यू अपेयर इन द कोर्ट्स. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल एप्लीकेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस पर भी वेरी क्विकली बात करते हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इनफैक्ट उसमें हमारे दफ्तर ने सबसे पहले शायद यहाँ से एक रवायत डाली, रवायत तो पुरानी थी, एडॉप्ट पंजाब लाहौर में हमने की, जब हमने और लम्स के मेरे एक एसोसिएट थे. एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी तैयारी, कोई भी लेक्चर मैं वो ना दे पाऊँ जब तक मेरी टीम जो मेरे साथ काम करती है, बड़े ब्राइट यंग लड़के जो दिन रात जागते हैं, रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता. इसी तरह मेरे एक बहुत होनहार शागिर्द ने कहा कि सर मुशर्रफ साहब की बेल हो सकती है दुबई बैठे बैठे. मैंने कहा ये मैंने तो नहीं सुना, कहा हो सकती है. उसने मेरे आगे केस लॉ रखा, मुशर्रफ साहब को हमने ओपिनियन दिया, फिज़िकली प्रेजेंट आप नहीं होंगे मैं आपकी बेल करा लूँगा. उन्होंने कहा कहीं बात की, दो बहुत बड़े वकला से बात की, बहुत बड़े वकला पाकिस्तान के, उन्होंने कहा ओपिनियन मंगाओ उससे. मैंने ओपिनियन दिया, उन दोनों ने मेरा ओपिनियन रिजेक्ट और डिस्कार्ड कर दिया कि ये बेल नहीं हो सकती. मुशर्रफ साहब ने कहा आपका ओपिनियन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैं आपको गो अहेड देता हूँ, आप मेरी पिटिशन फाइल करें. वी वेंट टू कराची, आई वॉज 34 एट दैट टाइम अलॉन्ग विद माई टीम. बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेशन, जजेस डिटेंशन, नवाब बुकटीस किलिंग, हाई ट्रीजन नहीं शुरू हुआ था. तीनों बेल एप्लीकेशंस में सिंध हाई कोर्ट ने, मगर ये होमवर्क करके गए थे कि सिर्फ सिंध देता है बेल और कोई नहीं देता. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लॉयर्स लाहौर और पंजाब के आए कि सर हम कराची नहीं जा सकते, इट इज़ वेरी कॉस्टली फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कराची के जजेस बेल देते हैं, कोई ऐसी बात बता दें जिससे बेल हो जाए. मैंने कहा एक ही जुमला है जो दे सकता हूँ, आप जज साहब को जाके ये बताएं कि सर एक मफरूर को आप इनकरेज नहीं करेंगे कि आ जाओ, मैं वेलकम करता हूँ तुम्हें, मौका देते हैं, मगर वो मौका लाहौर हाई कोर्ट के जजेस देने को तैयार नहीं.
तो जो ना करते हैं वो मुदई को ना करते हैं, तेरा बंदा मफरूर ही रहेगा। जरा बात की गहराई को समझें कि टेल कन्विंस द जजेस प्लीज इनकरेज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू कम बैक, ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, प्रूव हिज इनोसेंस और अलाउ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर चार्ज एंड गिल्ट। आप व्हेन यू विल रिफ्यूज दिस बेल एप्लीकेशन ही विल नेवर कम बैक एंड दिस केस वुड रिमेन 512 में रेफ्रिजरेटर में लगा रहेगा, ये केस ठंडा रहेगा। तो आपको इनकरेज करनी चाहिए पूरी ज्यूरिसप्रूडेंस इन द हाई कोर्ट ने। सो क्या अफसोस की बात है कि हमें प्री अराइवल, इनको बोला जाता है प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल्स, हमें प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल्स के लिए कराची जाना पड़ता है और वहां पर फौरन ये बेल मिलती है। और पता है हम क्या लगाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, कौन कराएगा बेल? बाप लगाएगा कि मैं अपने बेटे को लाना चाहता हूँ, बीवी लगाएगी मैं अपने खावंद को लाना चाहती हूँ, माँ लगाएगी कि बेटे को लाना चाहती हूँ, मेरे बेटा मुलजिम है फलानी फलानी FIR में, ये इल्जामात हैं, ये उसका पासपोर्ट है, ये उसकी टिकट है, ये उसकी फ्लाइट है, इस दिन आ रहा है एयरपोर्ट, और उनको पार्टीज बनाया जाता है कि वो उसको एयरपोर्ट पे अरेस्ट ना करें, उसका नाम ECL पर भी है, उसका नाम FIA के रिकॉर्ड पर भी है, वो इंटरपोल पर भी उसका नाम है। सो ऐसे ऐसे लोगों को हम वापस लेकर आए हैं बेल में। सो जजेस कहते हैं राइट, ये हम प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल आपके बेटे को दे रहे हैं आपके पेश होने पर कि वो इस दिन पाकिस्तान आ रहा है, उससे दो दिन के बाद वो मेरे पास इस दिन सरेंडर करेगा जिस दिन मैं उसको प्रोटेक्टिव बेल दूंगा। सो लॉ, इवन इफ यू आर आउट ऑफ कंट्री, FIR होने के बाद मुल्क से भागो तो और बात है, FIR होने से पहले ही मुल्क से बाहर थे तो और बात है, वो तो हर केस के अपने हालात होते हैं आपने देखने। तो अब आपके आगे कैटेगरीज और काइंड्स ऑफ बेल में लिखा हुआ है, मैं अभी 498A में हूँ, और नहीं उससे आगे प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन में मौजूदगी में बेल्स ग्रांट होती हैं। ज़रूर कोशिश करें, मेरे पास 25 केस लॉज हैं जो मैं डालता हूँ, मैंने लाहौर में अभी तक ट्राई नहीं किया, मगर मैं अपना वो ड्राफ्ट बेशुमार लॉयर से शेयर कर चुका हूँ कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भरा हुआ है दुबई, भरा हुआ है लंदन, जिनके पास ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर, जो बहुत अमीर हैं वो लंदन चले जाते हैं पाउंड खरीदने की और खर्चने की कुव्वत रखते हैं वाइट कॉलर क्राइम में, यूरोप भी भरा हुआ है। मैं हैरान हो गया, गुजरात से कौन है, मंडी से, आई वेंट टू बार्सिलोना, वहां पर यूरोप कम और मुझे गुजरात ज्यादा लगा बार्सिलोना। तो एक इलाके में हम गए तो वहां पर काफी मेरी मौजूदगी से मैंने देखा कि लोग बहुत तवज्जो से गौर से देख रहे हैं। वहाँ के बंदे ने कहा कि सर ये आपको इसलिए नहीं देख रहे कि आप यहाँ नए नए आए हैं, ये आपको इसलिए देख रहे हैं कि दुश्मन या दुश्मन का बंदा तो नहीं आया मारने के लिए, यहाँ आकर भी मारा जाता है, ये यहाँ पर भी बड़ी एहतियात से बैठते हैं, इतना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहाँ पर मौजूद है, इतना दुश्मनियों वाला बंदा, ये जितने बंदे फ़ोनों पे लगे हुए हैं सब वकीलों की बातें कर रहे हैं, ये सब केसों की पैरवियाँ कर रहे हैं, ये सब पूछ रहे हैं कि जमानत हो ये नहीं हो, ये अपील लगी है नहीं लगी, वकील साहब की आंदे ने वकील बदल दो, सियासी वकील नाल खड़ा कर दो, इनका फेवरेट टॉपिक ही है। सो मैंने रीड किया कि बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो सारी अनकंफर्टेबल हुए हैं लोग वो इसलिए हुए हैं कि एलियन आया है कोई हमारे इलाके में, वो क्यों आया है, कोई ख़तरा तो नहीं है, वो ठीक है, स्कैनिंग हुई है सिर्फ मेरी, और वहाँ पर सारे वही लोग बैठे हुए हैं जो, तो प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल्स इनकरेज होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, जजेस को ये रिलीफ देनी चाहिए मफरूरों को वापस लाने के लिए। ये तो ना है कि आप चाह रहे हैं मफरूर ना आए।
सो हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, सवाल पूछे आप। सर कोई भी कर सकता है, सर कोई भी कर सकता है, कोई ममानियत नहीं है, कोई ममानियत नहीं, कोई इमीडिएट रिलेटिव हो जाए तो बेहतर है। सो उसका पैटर्न ही और है, और वो कहता है कि मेरा बेटा इस दिन आ जाएगा, उसने मुझे ऑथराइज किया है, उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया जो मैं लगा रहा हूँ, उसने मुझे ईमेल किए, ये मेरे बेटे की ईमेल है, ये बेटा उस केस में मुलविस है, आप सिंध हाई कोर्ट बेल देता है सर 2 मिनट में विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल, प्री अराइवल मुल्क में कदम रख। सो वो जो कहा जाता है जी जब तक बंदा नहीं खड़ा होगा साथ बेल नहीं मिल सकती, मुझे मेरी समझ से बाहर है ये बात। चले आगे चलते हैं, अब आते हैं हम प्रोटेक्टिव बेल। दिस बेल इज फाइल्ड विद लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शंस, बट एट द सेम टाइम इसकी अब्यूज भी बहुत ज्यादा है। लाहौर में पर्चा हुआ है, वकील साहब कहते हैं चलें हम रात का सफर करके इस्लामाबाद जाएंगे, वहां से प्रोटेक्टिव बेल लेकर आएंगे लाहौर वापस। हम लाहौर से चलते हैं मुल्तान बेंच, मुल्तान बेंच जाके हम प्रोटेक्टिव बेल लेकर आएंगे। सो जजेस के आगे मिस यूज ऑफ प्रोटेक्टिव बेल बहुत ज्यादा आ गई हुई है, और फिर ये भी आ गई है कि पहले 6 दिन अगर तफ्तीशी आके गिरफ्तार कर ले तो बेल निकाल देंगे, नहीं आया तो अब हम ज्यूरिस्डिक्शन चेंज करते हैं, रावलपिंडी बेंच से ले आते हैं, मुल्तान बेंच से ले आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले आते हैं, लेट्स स्पेंड सम मोर मनी कराची से ले आते हैं, 7 दिन की मिल जाएगी, 10 दिन की मिल जाएगी। सो 30 दिन तो हम प्रोटेक्टिव बेल पे, बहुत सारे लोग ट्रायल कोर्ट को सरेंडर किए बगैर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर रख के तो अपनी बेगुनाही लेकर साइड पर हो जाते हैं, ट्रायल कोर्ट को सरेंडर किए बगैर। हालांकि प्रोटेक्टिव बेल इज इनेबलिंग बेल, इसको जरा नोट कर लें, प्लीज इनेबल मी टू ट्रेवल इन अनदर ज्यूरिस्डिक्शन वेयर अ फॉल्स केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी इन ऑर्डर फॉर मी टू अपियर एंड सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। सो इट इज एन इनेबलिंग एंड द जजेस इनेबल यू, ऑलराइट वी वुड इनेबल यू। अब यह कहा जाता है, अब वो लेटली इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती है आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं, 5 घंटे में आपने बेल फाइल किए, 3.5 घंटे का मोटरवे लाहौर ही चले जाओ। फिर वो डिस्करेज करे हम कल सरेंडर कर दें, नहीं नहीं सर 7 दिन, उन्होंने कहा 7 दिन नहीं लगते अब इस्लामाबाद से लाहौर जाने में। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी मिसयूज को देखते हुए रिपीटेडली, वो क्या होता है लाहौर के जाने माने लोग, लाहौर के जाने माने लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं मेरे ऊपर एक पर्चा है मुझे बेल दें, तो वो जज साहब कहते हैं आप तो रहने वाले ही लाहौर के, आपको कौन नहीं जानता, आप इधर आ गए हैं बेल लेने। सो बाज़ लोगों की शनाख्तें नहीं, तो नहीं सर वो मैं इत्तफाक से इस्लामाबाद था तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, इट इज़ गिवन इफ देर इज़ अ सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ योर अरेस्ट ऑन द वे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच द कोर्ट और द प्रेमिसेस, यू विल नॉट बी एबल टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट, तो प्री आपको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है। मैं अब थोड़ी सी लंबी बात की तरफ आने लगा हूँ जिसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात, अगर तो आपने अपने ड्राफ्ट में लिख दिया है और नीचे सर्टिफिकेट भी दे दिया है तो आप एक सच्चे वकील हैं, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हो गया, कंसीलमेंट भी हो गई। और इस बात के ऊपर ये बड़ा सीरियस है, अगर तो लॉयर को बेवकूफ़ बनाया गया है, उसे छुपाया गया है, वो एक अलहदा बात है, बट इफ़ द लॉयर इज पार्टी टू इट, प्रोफेशनल एथिक्स डोंट अलाउ यू कि चलो जी हम अब अदालत बदलते हैं,
बाईसे बाईसवीं में क्या हो रहा है, जजेस बदले जा रहे हैं, सिविल मोहम्मद अहमद कयूम साहब बेहतर बताएंगे, उस जज ने स्टे नहीं दिया, अब हम उस जज के पास चले जाते हैं, नहीं ये काम हो, स्टे लिया जा रहा है। सो इस चीज़ को, इन मिस यूजेस को, और ज़रूरत है, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंप्यूटराइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। मैं एक एजेंसी की तरफ, उनको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ बहुत, मगर एक उनकी तारीफ भी कर दूँ, किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रिकॉर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ केसेस, प्रीवियस FIRs और कन्विक्शंस का बहुत अप टू डेट है? आपसे सवाल है। मेरा सवाल वो है कि किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, ANF के पास, सॉरी सर, जितना एक्यूरेट रिकॉर्ड ANF का है? ANF, माने ना इस बात को कि ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक है। राणा साहब पे भी आ जाते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने फरमाया कि भी एक राणा साहब ने मुझे रेस्ट दिया तो मैं लेक्चर देने आया हूं। जी सर। जैसे सर आपने फरमाया कि हम मुल्तान हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से या लवन पिंडी या इस्लामाबाद के प्रोटेक्टिव बेल जैसे मुकमों में लेकिन दूसरे शहर में जाके ले, लाहौर एक और लाहौर में शिनाती कार का नंबर फीड करके जब किया जाता है तो वो पूरे रिकॉर्ड में चला जाता है। जी सही, अच्छी बात है। वो ब्रांचेस ये सर होता है, बस मैं इसको इधर तक ही रखना चाहता हूँ कि ये मिस यूज़ हो रही है मुख्तलिफ शहरों में, बावजूद उसके जो आप बात कर रहे हैं कि ID कार्ड जब डाल दिया तो सारी बात सामने आ जाती है। मैं यही कह रहा हूँ कि कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, मिस यूज़ ऑफ सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस को डिस्करेज करने के लिए, जो कि कंसीलमेंट के नतीजे में, सुप्रेशन के नतीजे में फाइल की जाती हैं, वो डॉक्यूमेंट हो। मैं आपकी तवज्जो बहुत अहम एलिमेंट की तरफ लाने वाला हूँ, पूछें। कब से जी, कब से जी? Yeah. मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेक्टिव बेल जो इसका मिस यूज है, उसको भी ऐसे रोका जा सकता है कि अगर आप मुल्तान जाते हैं वहाँ पे भी जज पूछे कि ये प्रोटेक्टिव बेल एक इंडियन बुक के मुताबिक ये इज्जतदार और इस तरह लोगों के लिए, टू सेव फ्रॉम ह्यूमिलिएशन डिस्ग्रेस। जी यस जी, वो पूछे कि आप मुल्तान में कब से, अगर आप FIR के पहले हैं। Yes, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, इट्स अ गुड सजेशन दैट वेन एवर इंटरटेनिंग और एडजुडिकेटिंग ऑन दीज पिटिशंस द ऑनरेबल जजेस मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स एंड इंक्वायर, हैव यू, वी होप दैट यू हैव नॉट फाइल्ड सिमिलर एप्लीकेशंस इन अदर ज्यूरिस्डिक्शंस। एंड वकीलों, ये हिस्सा भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो ये फॉर्म्स भरते हैं, वो भी साइन और फिल होना चाहिए कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरे नोटिस में ऐसा केस आया है। एक कैंसलेशन ऑफ बेल मूव करना चाह रहे हैं, चार ज्यूरिस्डिक्शन के ऑर्डर लाके KPK समेत प्रोटेक्टिव बेल के पार्टी ने आगे रखे कि यू लुक एट द कॉन्डक्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल, हाइड एंड सीक, hoodwinking, typical expressions that we use under the criminal jurisprudence, concealing, suppressing. Maine kaha this is a good case of, although the scope of cancellation is extremely narrow, but nevertheless courts will take a lot of offense. Kisne mazak banaya hua hai adalton ka, is shakhs ne char adalton mein ja ke 3-4-5-6 mahine to ye aise hi isne guzar diye, to iska mechanism properly banna chahiye. ये रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मैं
अहमद कयूम साहब को भी कहूँगा कि एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में एक काम होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम अप फॉर इट वट एवर इट टेक्स। कि और अभी यहाँ पर बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं हमारे सीनियर्स, और उन्होंने कुछ काम भी किया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है ना, उसको फिक्सिंग की और उसकी रिफॉर्म्स की। मैं 4-5 रिफॉर्म्स अभी बता दूं, आप असेंशियल कर दें। क्राइम सीन फोटोग्राफी, आप देखें कैसी मुसीबत डल जाती है आईओ को। क्राइम सीन फोटोग्राफी को असेंशियल कर दें। एक पिक्चर आई है डिसीज्ड की खातून की इस्लामाबाद की टब के अंदर, दैट वन फोटोग्राफ इज एन आंसर फॉर 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेरीज। वन फोटोग्राफ, वी नेवर सी फोटोग्राफिक एविडेंस। किसके पास कैमरा नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, हैंडी, इनएक्सपेंसिव, ऑलवेज अवेलेबल, एंड इट गिव लास्ट सच एन इम्प्रेशन। मैंने मरहूम जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब के पास 350 से 450 के करीब मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू किया। एक मुकदमे में फोटोग्राफ्स लगी हुई थी और वो थ्रू आउट उन्हीं फोटोग्राफ्स को दोनों जजेस जो हैं वो देखते रहे, और मेरे लिए प्रॉब्लम थी मैं तस्वीरों से कैसे निकालूँ बाहर। यहाँ पर बिल्ला स्केल और विद स्केल, हमेशा मैं कहता हूँ तोते चिड़ियाँ बनी होती हैं। व्हाट इज़ दिस 2022? सो आप कुछ चीज़ों को, 10-12 चीज़ों को जब हम कंसेंसस से क्रिमिनल लॉज ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से बुला लें, वो कहें कि ये करो, तो आप देखो ज़रा मुसीबत कैसे डलती है, कैसे फॉल्स इम्प्लीकेशन और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ओवरनाइट कम होता है। कोई कर ही नहीं रहा उस पर बात। ये एक सजेशन। एक हम रिपोर्टें मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर बैठे हुए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऐसे होगी, खैर ये विल टॉक अबाउट इट्स सम अदर डे। कमिंग बैक टू प्री अरेस्ट बेल इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ गिवन टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल इन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। वाई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ अंडर द नॉर्मल कोर्स नहीं दी जाती? वाई एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, दिस डज नॉट रिफर टू माइटी स्ट्रॉन्ग पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल। एक्स्ट्रॉर्डनरी वो है जिसका करियर, जिसके एंटीसीडेंट्स, जिसका बैकग्राउंड क्लियर और क्लीन हो, नो इन्वॉल्वमेंट इन ऑफेंसेस, हैविंग अ क्लीन बैकग्राउंड, अ रिस्पेक्टेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन हुज डिग्निटी हैज़ टू बी सेव्ड फ्रॉम डिसग्रेसफुल अरेस्ट। और आप देखो हर शख्स की, अहमद कयूम साहब के दफ्तर जा रहे होंगे, मैं शर्तिया बात कहता हूँ, कोई उनके कान में भिनक डाल दे, सलमान सफदर आपके केस को फौजदारी बना देंगे। मैं देखता हूँ कैसे जाते हैं इनके दफ्तर, यूं गाड़ी मोड़ेंगे, वाओ क्रिमिनल नॉट सिविल, एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। एक जुर्म है जिसकी तरफ आपको सिर्फ इशारा दूंगा, सबसे ज्यादा एब्यूज उसमें, वो सारे केसेस इनके दफ्तर के हैं 406 के जो हमारे पास आए होते हैं। इंटरेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट्स को कन्वर्ट करके, स्ट्रेच करके, मिसयूज करके, अब्यूज करके, उनको किसी तरह क्रिमिनल के अंदर लाएं कि क्रिमिनल लॉ की जो वो है ना अरेस्ट की बात। मैंने कई लोगों से ऐसे सुना है, माई डॉटर हैज बिन डिवोर्स्ड, आई वॉन्ट द मैन हैंग्ड, FIR। मैं क्या, ऐसा हो नहीं सकता, चाहिए ये रेमेडी, यू कैन नॉट। आपने एंटीसीडेंट्स का जिक्र किया है कि अच्छी उसकी रेपुटेशन वाला होना चाहिए, 15 पर्चे उसके ऊपर होने चाहिए तो फिर बेल नहीं मिलेगी कि ही नीड्स टू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर ये? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द जजेस दे डू नॉट, द क्रिमिनल जजेस, द जजेस वर्किंग ऑन द क्रिमिनल साइड विद एक्सपीरियंस, वो मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs को वो कहते हैं दिस इज मियर रजिस्ट्रेशन। हैज द गिल्ट बिन प्रूव्ड, हैज इट बिन प्रूव्ड, तो वो मियर रजिस्ट्रेशन को अ फैक्टर लेते हैं, नॉट द फैक्टर। इफ दे आर अदर कन्विंसिंग ग्राउंड्स इनलार्जिंग द अक्यूज्ड ऑन बेल, देन मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ नो मैटर हाउ मेनी केसेस वुड नॉट कम इन द वे।
इट इज ओनली convictions, और बोला जाता है. सो सेटल्ड रूल आंसर आपके सवाल का यही है. तो सबसे पहले मैं ये आता हूं कि एक बात आपने जो समझनी बहुत जरूरी है, प्री और पोस्ट 498 और 497 की डायमेंशंस, उसका एंगल, उसकी प्रेपरेशन इज टोटली डिफरेंट. 498 में जजेस आपसे सिर्फ दो सवाल पूछेंगे और आपको उन दो सवालों के जवाब देने हैं. उन्होंने यही पूछना है प्री अरेस्ट में. मैं बोलूंगा नहीं, पीएलडी 15 को करेक्ट करें. अभी आप सामने जो स्लाइड पर चल रही है, बता दें मुझे किस करेक्ट साइटेशन क्या है, एससी है या क्या है जी. तो दो सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मेलाफीडे, व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव. आपने प्री अरेस्ट बेल में अपनी तैयारी सबसे पहले, वेन एवर यू आर असिस्टिंग द कोर्ट्स, अभी मैं वर्बली की बात कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग पर बाद में आऊँगा, आपने सबसे पहले आपने प्री अरेस्ट बेल में आपने द बैकग्राउंड ऑफ द पिटिशनर, वेरी ब्रीफली द एलिगेशंस एंड वाई ही शुड बी सेव्ड फ्रॉम एन अरेस्ट विच इज बींग सॉट on flimsy grounds in the absence of any cogent reasons for ulterior motive and mala fide intent. So jo test hai, settled test hai, which judges apply on cases of pre-arrest bail is mala fide and ulterior motive. Wo bata dein to we will grant you pre-arrest bail. Main kehna ye chahunga ki mala fide aur ulterior motive ka डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन है विद द प्रिंसिपल, सेटल्ड प्रिंसिपल, टाइम टेस्टेड. पीएलडी 2015 सिंध है, ये सिंध है 20. सो थैंक यू वेरी मच. सो लेटेस्ट केस लॉ, लेटेस्ट ट्रेंड्स प्री अरेस्ट पर आपके पास मौजूद होने चाहिए. और प्री अरेस्ट क्यों देनी चाहिए, जो मेरे पास ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं. नंबर वन, प्री अरेस्ट इसलिए देनी चाहिए कि प्रिमा फिशाए देर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स दैट द पिटिशनर हैज कमिटेड द ऑफेंस. अरेस्ट इज बीइंग सॉट फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, मेला फीडे इंटेंशंस, बट इट्स नॉट जस्ट द स्टेटमेंट, यू हैव टू प्रूव इट. बेल नहीं मिलेगी आपको, आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक आप कन्विंसिंगली आप बताए ना कि मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव क्या है, पूरे केस में आइडेंटिफाई करें उसको. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वकला अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि जज साहब पूछ क्या रहे हैं. और ये सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है कि सर मैं उसका जवाब भी दूंगा, पहले मेरी बात सुन लें. सबसे बुरी बात, अगर एक मुनसिफ आपसे पूछ रहा है सेटिस्फाई मी ऑन अ पॉइंट, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और आप कहें नहीं पहले मेरी सुने, आंसर द क्वेश्चन व्हेन इट इज, व्हेन यू कम फेस टू फेस विद अ क्वेरी, विद अ क्वेश्चन ऑफ द जज, सेटिस्फाई हिम फर्स्ट. सो पहला सवाल ही आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों ये प्री अरेस्ट फाइल करें. मैं ये भी आने से पहले अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि वी मस्ट ऑल्सो ऑलवेज वे अप तीन चीजें. आपके आने, आपसे आने से पहले एक पार्टी मेरे पास आई और कहती आपसे एक मशवरा लेने आए, हमें ये बताया गया है, हमें यकीन है आप सिंसियर एडवाइस देंगे. मैंने कहा सवाल पूछे, मेरे आगे केस रखा. उन्होंने कहा ये हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट खारिज कर दी है, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट जाना है आप लेकर जाएं. मैंने सारा केस देख लिया, मैंने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना. नहीं बनती तो है, मैंने कहा वो ना सुनना चाहें आप, जो आप सुनना चाहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट यू वॉन्ट टू हेयर. मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, और आपने कहा सिंसियर एडवाइस, आपने नहीं जाना. आप
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर पोस्ट अरेस्ट जो इजीली हो जानी है 337A3 के केस में, आप अपनी पोस्ट अरेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट से ही कराइएगा आज से 5-6 महीने के बाद, कि सुप्रीम कोर्ट की आप मोर लगवा के आएंगे इसके ऊपर। सो ऑलवेज वे अप द ऑड्स, क्या प्री अरेस्ट फाइल करनी है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुड पोस्ट अरेस्ट बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूज्ड कॉट रेड हैंडेड फ्रॉम द स्पॉट, मुलजिम तो अक्सर दीवाना होता है, उसके रिश्तेदार भी, नहीं जी बेल फाइल करें। यू हैव टू बी कन्विंस्ड फर्स्ट कि मेरा रूट बनता है जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर क्लाइंट, इवन इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट हिम। आपने ये बेल एप्लीकेशंस नहीं फाइल करनी, आपने नहीं करनी, आप रिफ्यूज कर दें, मैं कन्विंस्ड नहीं, कहीं और से करवा लो। और आप यकीन करें, मैं जिसको सिंसियर मशवरा देकर वापस भेजता हूं ना, अपने मुंशी साहब को मैंने गिला किया आज से 5-6 साल पहले, केसेस की इंटेक बहुत कम है, कहता है आप खरी बातें करनी बंद कर देना सर, केसेस ही केसेस। तो मैंने कहा आप साफ साफ बात कर देते हैं, पार्टी फिर नहीं सुनना चाहती, पार्टी झूठ सुनना चाहती है, वो अश्योरेंस चाहती है, वो वहाँ जाके बैठती है जहाँ उनको वो अश्योरेंस मिलती है। तो मैं उसकी बात सुन के ठंडा सा पड़ गया कि इसने क्या बात की है। कुछ ज़्यादा देर नहीं लगे, अल्लाह ने मेहरबानी की, एक पार्टी आई और कहती है आपसे केस करवाना है और सुनना है क्योंकि आप सच्ची और खरी बात करते हैं। मैं क्या, रुक जाओ एक मिनट, टल्ली देती पहले बुलाओ उन्हें अंदर वापस। तो मैंने कहा आप लोगों को सिंसियर एडवाइस दें, वो यूँ घूम के, जब वो उनको थप्पड़ पड़ते हैं ना बाहर से कहीं से, तो घूम के आते हैं कि आपने सही बात की थी। वो जो रिस्क आपका है वो आना है आपकी तरफ, वो पार्टी को गुमराह करके, उनको ख़राब करके, जो उनके हक में नहीं बनती आप, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ। सो मैं अभी अभी सुप्रीम कोर्ट जाना, पार्टी बहुत खुश थी, हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, आपसे यही सुनना चाहते हैं। मैं क्या, और मुझे यकीन है वो कहीं ना कहीं जाके बैठेंगे, उनको अफाका नहीं होगा मेरी बात से, उनको आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाना, तो उन्होंने कहीं बैठना है और किसी ने उनको ले जाना है और सबज बाग दिखाना है। अच्छा सर, आपने कहा अल्टीरियर मोटिव्स और मैलेफिडे नजर आने, ये क्या होती है चीज और किस नौयत की चीजें हो सकती? बड़ी अहमद कयूम साहब का पूछने का अंदाज बहुत मासूमाना होता है, मगर उसके अंदर इतनी विजडम है। 1962 की जजमेंट है, मजर से मंगवा ले, मैलाफिडे जहाँ एक्सप्लेन हुई कि मैलाफिडे आर क्रिमिनल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड विद बैड फेथ, ये शुरू वहाँ से होता है सर, बैड फेथ से ये चीज़ें निकली। वो जजमेंट मंगा लो जी, हम शेयर कर लेते हैं सारी, वो फैसले ज़रूर देख लीजिएगा। पहली दफ़ा फिर पकड़े जाएंगे, पहली दफ़ा फिर प्री अरेस्ट नहीं होगी क्योंकि पहले कभी मुकदमा ही नहीं। हाँ सही बात है। सो आपने बैड फेथ लाना है कि ये बैड फेथ से, बैड फेथ क्योंकि जैसे अब कहने का ही मतलब है अल्टीरियर मोटिव और मैलाफिडे इंटेंशंस, बाज जुमलों के ना हम स्लेव्स बन चुके हैं। जैसे एक जुमला है, एक एक्सप्रेशन है, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, उसका नेमो बदल नहीं आया, ये यूज़ करते हैं, इरेपरेबल लॉस। मुझे उसकी समझ तब आई व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। मैंने कहा ये मेरे लिए ना, हम जो सिविल लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं, इरेपरेबल लॉस, मुझे उस दिन समझ आई और आज दिन तक समझ आए कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे क्रिमिनल में हम एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बड़ी कोशिशें हुई इस पर, इंग्लिश जजेस ने कहा चेंज करते हैं ना, वैरायटी देते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के अलावा भी कोई एक्सप्रेशन देते हैं। तो एक एक्सप्रेशन आया, बड़ा करीब आया, यू आर सेटिस्फाइड सो दैट यू आर श्योर। कुछ साल जजों ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की रिप्लेसमेंट रखी, यू आर सेटिस्फाइड सो दैट यू आर श्योर, फिर उन्होंने कहा नो, शक का साया भी ना आए, शक का साया भी ना आए। मुझसे मेरे प्रोफेसर ने पूछा था इंग्लैंड में BPP लॉ स्कूल में, इफ यू आर अ जज
यू आर श्योर 99.9% ही इज इनोसेंट, व्हाट वर्डिक्ट विल यू ब्रिंग? मैंने कहा सर नॉट गिल्टी. दैट्स राइट, क्योंकि मैंने कहा 99.9% का मतलब साय है. और ये मैं आपको बता दूं, बहुत डिस्टर्बिंग बात कहने लगा हूं ऑन कैमरा, मैंने पाकिस्तान में शायद ही कोई केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होते देखा. ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, सिविल के स्टैंडर्ड पे क्रिमिनल केसेस यहां पर डिसाइड होते हैं. कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हमारे पास वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, वो मेथड्स नहीं है, वो रिलायंस जो है वो ओल्ड स्कूल पर है, न्यू मेथड्स नहीं अडॉप्ट हो रहे. ठीक है ना, मैं आया और ये मैं करके चला गया. कई दफ़ा कहता हूँ ये चार कैमरे, चश्मदीद गवाह, ये मेरा फिंगरप्रिंट, ये मेरा डीएनए, ये मेरे मोबाइल फ़ोन की सीडीआर, आंखों देखे हाल को, ह्यूमन इंटरवेंशन को निकाल दें बाहर, 161 के बयानों को, रिपोर्टें लाएं एक्सपर्ट्स की मैं आया था यहाँ, फिल्म लाएं मैं आया था यहाँ, उसमें से कोई निकल के दिखाए तो पता चले. तो वी नीड अ शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन एविडेंस, प्योरली ह्यूमन एविडेंस इन एवरी केस. मोटिव है वो भी ह्यूमन ही आके बताएगा, चश्मदीद गवाह आएगा, पहले सिनेमा का शो बैठेगा, फिर मर्डर होगा. मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, हमने देखा, हमारे देखते देखते कोई बाहर से लोग आ जाएं तो वो हंसना शुरू हो जाए. इसीलिए मैं अहमद कयूम साहब को भी कह रहा हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स हम रखें आगे, कि ये चीज़ें कर दें. और उधर आज़म नज़ीर तारड़ साहब बैठे, उनसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में एहसन भून साहब बैठे, हर बात फौरन उठाई जाएगी कि ये बात दुरुस्त है, निज़ाम को बेहतर करें, पुलिसिंग को बेहतर करें, इन्वेस्टिगेटिंग के निज़ाम को बेहतर करें. दीज आर द बेस्ट सूटेड, हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स ऑक्यूपाइंग द मोस्ट प्राइम पोजिशंस टू ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड चेंज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. वी नीड रिफॉर्म्स, और ये ताकि सारा निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाए. मैं प्री अरेस्ट बेल पर वापस दोबारा आऊँगा, टाइम अप चूँकि कम है, मैं वेरी क्विकली मैं आगे जाता हूँ. प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल इसलिए भी दी जाती है कि आपने बाहर निकल के खोसा साहब की जजमेंट्स हैं, अपना डिफेंस तैयार करना है. देर इज़ नो यूजफुल, जो प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं पहले प्री पर ही रहते हैं, मेलाफीडे, बैड फेथ, अल्टीरियर मोटिव, फर्दर इंक्वायरी, हेल्थ इज ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स आर ऑल्सो, व्हाट इज टू बी इफेक्टेड, व्हाट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी. जैसे हम शहबाज गिल के केस में एक ही बात कहते रहे, शहबाज गिल की स्पीच थी, डॉक्यूमेंटेड थी, ओन्ड थी, PFSA की रिपोर्ट थी, वॉइस मैच थी, तो गिरफ्तारी और रिकवरी रिमांड में किस चीज़ की लेनी है, किस चीज़, जुबान की फर्द मकबूज की बनानी है, नहीं बनती उसकी. जब ओन्ड है स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेड है, तो बात ख़त्म होगी. मगर बड़ा टाइम लगा उसमें, बहरहाल विल कीप इट फॉर. ओ यस, यू हैव यू सीन दैट मूवी? देखिए लेटली एक नया ट्रेंड आ गया, मैं कहता हूँ ना सीजन आते हैं, आजकल एक नया सीजन चल रहा है, स्पीचेस, अट्रेंसेस, आउटबर्स्ट्स, के पहले तो लो फिर बोलो. आजकल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस का बहुत ज़्यादा उधर, कंटेम्प्ट का भी, क्योंकि लोग कुछ भी बोल देते हैं. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से टू पब्लिक, ऑन कैमरा, ऑन माइक, यू हैव टू बी केयरफुल. थोड़ा सा हम आगे आए. हाँ जी सर. मैं एक बात
प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको दो तीन टिप्स दूंगा, आप उसको नोट कर लें मेरी बात को जो मैं कहने लगा हूं। प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन में सबसे पहले तो आपने ये देखना है और पता होना चाहिए कि इवन इफ द ऑफेंस की ज्यूरिस्डिक्शन अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की है तो द मैजिस्ट्रेट कोर्ट लैक्स द पावर फॉर द ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल। इट हैज़ ऑलवेज ओनली द कोर्ट ऑफ सेशंस और द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड। अफजलजुल्ला साहब की एक जजमेंट है कि आप कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन है प्री अरेस्ट की, हाई कोर्ट भी डायरेक्टली आ सकते हैं मगर वो डिस्करेज किया जाता है नॉर्मली। जब आप बेल एप्लीकेशन अपनी तैयार करते हैं प्री अरेस्ट, एक तो इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि अपने जुर्म पूरे लिखें, जुर्मों में कोताही ना बरतें, कंप्लेनेंट को ज़रूर पार्टी बनाएं। नेसेसरी पार्टी है, ख्वाजा शरीफ साहब के दौर से ये शुरू हुई थी जब व्हेन ही वाज़ द चीफ जस्टिस। स्टेट को बनाएं अंडर द राइट सेक्शन 498, स्पेशल लॉ है तो इनेबलिंग प्रोविजन साथ में ज़रूर लगाएं, दहशतगर्दी है तो 21D है, नारकोटिक्स है तो 51 है। सो साथ जो इनेबलिंग प्रोविजन, कोई स्पेशल कोर्ट की अगर बेल है तो उसको साथ में आपने नज़र ज़रूर दौड़ानी है अपने सब्जेक्ट में। हम एक काम करते होते हैं प्री अरेस्ट बेल में, दो तीन लोगों ने मुझे उसकी बड़ी तारीफ की कि एक आपकी ड्राफ्टिंग में मुख्तलिफ चीज़ हमने नोट की है। हम ग्राउंड नंबर 1 में हम बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं, पिटिशनर स्टैंड इज इम्प्लीकेटेड ऑन दिस एंड दिस, प्री अरेस्ट बेल इज बींग सॉट मेनली ऑन द ग्राउंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। उसमें सबसे ज़्यादा आसानी मेरे एसोसिएट्स के लिए होती है कि सर नोटिस हम करवा के आते हैं, मैं कहता हूँ जाओ ये आपका कॉन्फिडेंस है कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं जिन पर हमने नोटिस करवाना है। उसके बाद आप FIR की स्टोरी पर आए, सो अपने केस को समराइज करें। जो आखिरी दिन बैठ के फटाफट नोट्स बनाते हैं ना कि मैंने बेल इन बुलेट पॉइंट्स पे लेनी है, श्रीराम सरवर चौधरी साहब मौका नहीं देंगे और वन वन लाइनर सुनेंगे, वो वन लाइनर्स अपने पहले पैराग्राफ में 1 2 3 4। जज साहब रात को माइंड लिखा होता है अपने कोड वर्ड्स में, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है अगले दिन, रात को जेन बना होता है बेल देनी है नहीं देनी। मैं उन लोगों से डिसएग्री करता हूं जो बेल में लिखते ही कुछ नहीं, रात को भी जेन ना बनाया, सुबह भी आमद ना हुई। आमद तो फिर आमद होती है ना, कभी होती है और कभी नहीं होती। तो ना रात को आपने लिख कर दिया ना बोल के बताया, तो मौजे तो कम ही होते हैं। पिछले दिनों मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब देख लिया इसमें जो लिखा है, ड्राफ्टिंग खत्म हुई पड़ी है पाकिस्तान से। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस कोर्स के बाद अपनी ड्राफ्टिंग नहीं आपने खत्म करनी। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता देता हूं, बड़े डायरेक्ट रेलेवेंस है उसकी। चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के पास मैंने क्वेशिंग ऑफ FIR डाली दहशतगर्दी की ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। मेरी ग्राउंड ए थी कि पहली दफ़ा मैंने ऐसी FIR देखी है जो सिर्फ 780A के अंदर है, अकॉम्पनिंग पाकिस्तान पीनल कोड का ऑफेंस नहीं लगाया हुआ कोई भी। गहरी बात थी थोड़ी सी कि इन हेस्ट एब्यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ 780A इन शीयर वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस, दहशतगर्दी क्या है, आपने वाहिद फर जो जुर्म लगाया वो 780A लगा दिया, फाइल हो गई, नोटिस हो गए, प्रोटेक्टिव बेल हो गई, नीचे बेल हो गई। हाय 14 दिन के बाद प्रोसिक्यूशन ने 4 जुर्म PPC से उठा के तो लगा दिए नए फॉर द फर्स्ट टाइम, एडिशनल लगा दी। जिस दिन एडिशनल लगाए मैंने अगले दिन एक CM मूव की और CM में अपनी ग्राउंड ए रखी कि मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव ये कि ये पहले दिन भी नो ऑफेंस का केस था, आज भी पुलिस
पर्चा रजिस्टर कर रही है और पुलिस ही इग्नोरेंट है कि ये जुर्म उन्होंने देखे ही नहीं, पढ़े नहीं, जो नहीं बनती वो लगा दिए, जो बनने चाहिए थे वो लगाए ना। मुझे अतर मेदिल्ला साहब ने कहा आपने सीएम क्यों मूव किए? मैंने कहा सर इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होगी जब मैं केस आर्ग्यू करूँगा, तो चलें लिखें जी वो कि सीएम आ गई है। आके जिस दिन क्वेश्चन का केस आर्ग्यू हुआ है, प्रोसिक्यूटर ने कहा सर ये 5 जुर्मों का ऑफेंस है, ये केस है। मैंने कहा सर हर मुकदमे में मैं बड़ा पर्टिकुलर होता हूँ कि मेरी ग्राउंड ए क्या है, आप मेरी पिटिशन की ग्राउंड ए पढ़ें और मेरी सीएम की ग्राउंड ए पढ़ें और मिला के पढ़ें कि मेरा पहला पॉइंट था इनके केस का ये फ्लॉ है, क्वेश्चन मूव करने के बाद इनकी वीकनेसेस मूव करने के बाद जाके उसको इन्फर्मिटीज शॉर्टकमिंग्स लकूनास को कवर अप करने के लिए मेरी पिटिशन की रोशनी में दुरुस्त करके, तो आज कह रहे हैं 5 जुर्म है, मैं नई पिटिशन फाइल करूँ, ये जुमला आपकी कोर्ट में ना बोले। सो दैट वर्क्ड, ड्राफ्टिंग वर्क्ड, सीएम वर्क्ड, हम नई सीएम फाइल करते, जितने कागज लगा दिए उतने ही काफी, ज्यादती होती है। फिर तैयारी जो है ना वो मुख्तलिफ ही है। फिर तैयारी के एडिशनल ग्राउंड्स बी ट्रीटेड, द एडिशनल ग्राउंड be which has not been taken in the petition as an integral part petition ka padha jaye okay ke jo naya kaam prosecution ne kiya meri writ mein kahin zikr nahi hai theek batana kya cha raha tha bad faith mala fide police ke bhi aaf par police parcha darj kar rahi hai aur police ko jurmon ka nahi pata ki kya banta hai kya nahi banta jo lagaya chief sahab ne kaha ye nahi banta to unhone kaha acha 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 एक मौका होर दियो, एक बड़ा लतीफ़ा है, मैं वो लतीफ़ा नहीं सुनाऊंगा, एक मौका होर दियो अब दुरुस्त कर देते हैं क्या जुर्म। तो मैं कह सर आप इस लेवल पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप ऐसे केसेस नहीं लाते, वो भी एक स्पीच के ऊपर कि दहशतगर्दी हो गई और लिखा हुआ है इस स्पीच से IG इस्लामाबाद खौफजदा और दहशतजदा हो गई। मैं क्या फिर उनको IG रहने का हक़ ही कोई नहीं, उन्होंने क्या प्रोटेक्ट करना है इस्लामाबाद की पब्लिक को इफ ही इज टेररिस्ट विद हिज स्टेटमेंट एंड दैट आल्सो वर्क्ड। आगे आते हैं, लिखने में कंजूसी ना किया करें, टाइपिंग में, इट इज योर बेबी, ब्रिंग इट अप द वे यू वांट, एज लॉन्ग एज ग्राउंड से पहले और FIR के कंटेंट्स के बाद इज योर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर केस, इवन इफ इट इज रेपिटिशन इन ग्राउंड्स। लिख दें 3-4 पैराग्राफ कि इस केस के ये हकायक आपके इल्म में होने चाहिए एंड देन कम टू द ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स में आपको एक ही ताकीद करूंगा, अगर वही आज अडॉप्ट कर लिया आपने तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी। मैंने कम ही केस देखे हैं जिनकी 4 या 5 से ज़्यादा ग्राउंडें होती हैं, ABCDE। योर मोस्ट कन्विंसिंग मोस्ट पावरफुल ग्राउंड्स हैव टू बी, डोंट स्टार्ट विद दैट द पिटिशनर इज इनोसेंट फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द केस ही शुड बी ग्रांटेड पोस्ट रेस्ट बेल, जाया, जज ने वहीं आपकी फाइल बंद कर देनी है। दूसरी ग्राउंड भी आपने कि सेटल्ड प्रिंसिपल है प्री अरेस्ट बेल देनी चाहिए इन द केस ऑफ सो एंड सो, जाया। पहले पुट योर केस, दी व्हाट आई एम टेलिंग यू, पुट योर केस ABCD जिसे बेल लेनी है। ज्यूरिसप्रूडेंस आपने लिखनी है या जज साहब ने पढ़नी है या कंसिडर करनी है तो ग्राउंड नंबर 4, 5, 6 के बाद शुरू करें, जितना दिल करता है लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स लेनी है बाद में लिखूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लिखनी है बाद में लिखूं। ABCD में एक जुमला और एक लफ्ज भी जिसने जाया किया उसने जाया किया, उसने अपने प्रॉस्पेक्ट्स बेल लेने के खत्म कर दिए। और मैं नहीं समझता कि ABC से आगे ग्राउंड चलती है,
तीन ही होती हैं मेन बातें, द फैक्टर्स तीन होते हैं, अ फैक्टर्स दो और होते हैं, मिला जुला के पांच को ग्राउंडें बनती हैं, वो लिखा करें आप। सो आज एक ये तहैया कर लें, चाहे अपील लिखनी है, चाहे रेट लिखनी है, चाहे बेल लिखनी है, मेरी ग्राउंड ए बी सी डी, ना मैं जूरिसप्रूडेंस लिखूंगा, ना मैं जनरल बात लिखूंगा, कैटेगोरिक स्पेसिफिक केस को अटैक करूंगा कि मैं ये कहता हूं इस केस में। लैंग्वेज से फर्क पड़ता है उर्दू अंग्रेजी नीचे अगर आप कर रहे हैं, बात ये उर्दू अंग्रेजी सर, बात ये डॉक्टर बासित साहब को सुना है अगर कभी किसी ने, क्या खूबसूरत केस आर्ग्यू करते थे। एक मिसकंसेप्शन है, चंद मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि अहमद कयूम साहब ने पूछी है, फॉरेन क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो नाम नहीं पैदा होगा, बैरिस्टर नहीं हो तो नाम नहीं पैदा होगा, अंग्रेज़ी नहीं बोलोगे तो इम्प्रेशन नहीं बनेगा, सब गलत है। जितने बड़े वकील हैं सब पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB हैं, जितने बड़े वकील हैं सेंट्रल मॉडल के पढ़े हुए हैं, सेंट एंथनी के पढ़े हुए हैं, लोकल क्वालिफाइड हैं, वेल रेड हैं, अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ते हैं, क्रॉसवर्ड खेलते हैं। मेरा उल्टा नुक्ता था, मेरा नुक्ता था अंग्रेजी वालों को नीचे बेल नहीं मिलती, अंग्रेजी में अगर आप करेंगे वगैरह, डू यू अडैप्ट इट टू नीचे वाले के लिए? देखिए बाज़ औक़ात बिकॉज़ उर्दू इज द नॉर्म नीचे। देखिए आपने जब तक कोर्ट को रीड ना किया पता ही नहीं किसके पास लगी करना। बड़ा इस सवाल का जवाब दे देता हूँ अहमद कयूम साहब को, ज़रूरी है। अब मुझसे किसी ने पूछा अचानक कैसे, मैंने कहा अचानक ही फ़कीर आता है गाड़ी में झांकता है और कहता है अल्लाह तेरे वालिद को हज करा दे, 100 का नोट लेकर जाऊँगा। अगर बेटी है तो मेरी कमज़ोरी से खेलेगा, अल्लाह तुझे बेटा दे दे, 100 का नोट देकर जाओ एक लुक में। ज़रा फ़कीर को देखें, वो आपसे पैसा लेने का, तो अगर फ़कीर ये कर सकता है जो मांगने और लेने आता है, आप एक नज़र में कोर्ट को क्यों नहीं रीड कर सकते, इन्होंने बेल देनी है या नहीं देनी, किसे क्या रिलीफ लेनी है। सो झांके तो सब कुछ मिलेगा आपको, आप देखना चाहें तो आपको बड़ा कुछ कोर्ट से मिलेगा कि किस जज ने रिलीफ देनी है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, वो केस लॉ सुनेगा, दो चार सवाल ही आपने पूछ लेने हैं कि मैंने शायद बिलाल साहब के पास जा रहा हूँ, जवाद साहब के पास जा रहा हूँ, पूछ के जाऊँगा। बिला वजह अगर चला गया, आज वकालत जो ये समझता है कि सिर्फ कॉम्पिटेंस है, बैड फेथ, PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट, PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 151 कि मेलाफिडे अल्टीरियर मोटिव क्या है इन केसों में एक्सप्लेन है, 151 और तीन केसेस और हैं, आपका डायरी बन जाएगी इस पर। 2010 SCMR 624 तो एक कमाल जजमेंट है, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। 2010 SCMR 624, PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 677, ये तीनों जजमेंट्स बैड फेथ अल्टीरियर मेलाफिडे के ऊपर। हमें कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोग माइक और कैमरा पे सब कुछ बता रहे हैं जाके लोगों को, मैं कहता हूँ ये हक है देना हमारा और आपका लेना, और बताया जा रहा है सारे सीक्रेट्स दे रहे हैं आप लोगों को, मैं किसी तरह प्रोफेशन बचे सही, हमें कोई वो नहीं है कि कोई ले लेगा हमसे, हमें देना चाहिए बताना चाहिए, जितने काबिल हम हैं जितना हमें आता है हम, हाँ वी हैव टू शेयर इट विद दी कॉलीग्स विद दी लीगल फ्रेटर्निटी वट एवर लिटल वी नो। मैं इस पर रुकना चाहूँगा, तहैया कर लें कंप्यूटर टाइप्ड मुंशी वाला बेल का ड्राफ्ट नहीं चलेगा, तहैया कर लें। मैं एक काम करता हूँ हमेशा, इसको समझ लें, I always argue my draft। क्या नहीं समझे बात को, I only argue my draft।
व्हाटएवर इज रिटन आई स्पीक इन द कोर्ट. हार्डली एक दो कार्ड्स होते हैं जो शायद मैं नहीं लिखता कि ये कोर्ट में निकालूंगा, मुखालिफ को नहीं, इस स्टेज पर नहीं पता होने चाहिए, ये निकाल दो. सो ड्राफ्टिंग की इम्पोर्टेंस इतनी ख़त्म हो गई है कि स्पेशली ड्राफ्टिंग पर ही अगर आप, और देर वेरी फ्यू पीपल जो ड्राफ्टिंग करते हैं, मोती परोते हैं, और आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से. क्रिमिनल में ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, सिविल में फिर कुछ बची हुई है. कोई हाल नहीं, मेरे सामने जितनी बेलें आती हैं कि ये हाई कोर्ट आपने जाना है, तो पहले मैं कहता हूँ अच्छा ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है. पटिशनर इज़ अ पटिशनर, देयर फोर ही शुड बी ग्रांटेड बेल. ना उसके अंदर डेट ऑफ अरेस्ट लिखी होती है, ना उसके अंदर कोई बैकग्राउंड. मैं कहता हूँ सबसे पहले डेट ऑफ अरेस्ट पटिशन के अंदर लिखो. द फर्स्ट क्वेश्चन द जज इज आस्क इन पोस्ट अरेस्ट बेल, व्हेन वाज ही अरेस्टेड, सिंस व्हेन इज ही इनकार्सरेटेड. डेट ऑफ अरेस्ट भी लिखो, एज भी लिखो, अरेस्टेड सिंस लिखो, 2 years 3 months precisely on this date. असिस्टेंस दें उनको, पता चल जाए कि उस पॉइंट पर ही वो नहीं लिखी जाती. ड्राफ्टिंग में हट के चीज लिखने पर कोई कंटेम्प्ट नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, एज लॉन्ग एज रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कानून लिख रहे हैं, बैकग्राउंड लिख रहे हैं, अपनी ग्राउंड्स लिख रहे हैं, नो वन विल क्रिटिसाइज यू. स्ट्रक्चर सीक्वेंस अपना उसको रखें. एनी स्पेशल ग्राउंड्स, नेवर स्टार्ट योर पिटिशन आई एम ओल्ड, आई एम इनफर्म. मेडिकल ना पहले लाओ, पहले फ्रंट फुट पे खेले, मेरिट्स पे फर्दर इंक्वायरी लाए, बाद में ये बातें लाए, ह्यूमैनिटेरियन, कंपैशनेट, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, मेरिट्स. इन बातों पर कभी बेलें हुई हैं? नहीं हुई. तो जब आज दिन तक नहीं होनी तो अब कैसे हो जाएगी? पहले केस को तोड़े, बस फर्दर इंक्वायरी पे रहे, डाउट पर रहे, सस्पिशन पे रहे, फ्लॉस पे रहे, डिफेक्ट्स पे रहे, और उन पर भी रहे. पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ी चीज सुनते हैं, डीपर एप्रिसिएशन क्या और टेंटेटिव असेसमेंट क्या. बास चीजों की इजाजत नहीं है. 100 बातों की बात तो एक है, उस्ताद के बगैर काम करना तकरीबन नामुमकिन है. उस्ताद का चेंबर ज्वाइन किए बगैर, प्यूपलेज किए बगैर, 2-2.5 साल का के साथ के बगैर, मैं समझता हूं कि, और उसके बाद फिर आपने खुद ABC वहां से सीखा हो, XYZ तक अगर हिम्मत रखते हो, और फिर वर्ड्स खुद बना लो बैठ के, मगर ABC बेसिक बातें वहां से सीख के आती है. वो नहीं सीख कर आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा. फिर वही होगा कि आपने बेल एप्लीकेशन में जिमनी का भी एनेक्चर लगाया होगा साथ में, सर ये जिमनी नंबर 16 में देखें, मैं बेगुनाह हूं. तो जज कहेगा एक केस और ना करें तुम्हारे खिलाफ, 2 बना देते हैं, द मोर द मैरियर. ये बातें कहां से पता लगेंगी? ये आपको चेंबर से पता लगेगी. CRPC में लिखा हुआ है कहीं जिमनी नहीं लगानी, किसी किताब में गाइडेंस है? कहीं नहीं गाइडेंस. डूज एंड डोंट्स तो आपको आपके उस्ताद ही बताएंगे, सिखाएंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से, इंडेक्स कौन सी है. सो मैं बहुत क्लियरली, मैं अगर बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक केस को देखता हूं, मैं अपनी ग्राउंड्स लिखनी शुरू करता हूं, मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट करूंगा, मैं फैसला करूंगा, मैं अपना केस लॉ निकलवाऊंगा, मैं अपनी कोर्ट का तायुन करूंगा, मैं पार्टीज दुरुस्त लिखूंगा, मैं केस की ड्राफ्टिंग कराऊंगा, मैं पंच लाइन दूंगा कि मेरी ग्राउंड्स ABCDEF ये हैं. कोशिश करें कोई ड्राफ्ट आ जाए हमारे पास बैठे बैठे. खान का मंगवा लें, अभी क्वेश्चन मंगवा लें, शहबाज गिल की बेल मंगवा लो. सिर्फ सिर्फ पहला पेज आ जाए जिसमें हम पंच लाइन देते हैं ताकि एक्सप्लेन कर दें हम कहना क्या चाहते हैं, वो अडॉप्ट कर लो, तो आप कहोगे कि ड्राफ्टिंग. फिर जो वो लिखा है उसको आगे मीट चढ़ा दें उसके ऊपर कि इसका मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ. देखिए कितना उससे तब्दीली और कितना
चार केस लॉ निकाले होंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी असिस्टेंस में, तैयारी में और जजेस कितना इम्प्रेशन आपके ऊपर, कि दूसरी दफ़ा जब कोर्ट में जाएं, बड़ा वकील पता है कौन बनता है, कि दूसरी दफ़ा वो वकील आके बैठे तो जज को उसका नाम पता हो कि ये वो है। अगर पहली दूसरी तीसरी दफ़ा आपका नाम ही नहीं जज साहब को पता लगा ना, तो 10 साल लगेंगे फिर, या शायद कभी भी ना नाम याद। यू हैव टू लीव एन इम्पैक्ट बिहाइंड ऑन द वेरी फर्स्ट हेयरिंग। इफ यू डोंट डू दैट, यू आर टेकिंग द लॉन्ग रूट, जिसका आप सरकमस्टांसेस, क्या बात हो रही है कि नौजवान लोग जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसकी एक वजह ये इनको शादी करने की बहुत जल्दी है जी। जी अब आपका वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, मुझे पता था आपने इनको डिफेंड करना है जी, तो अच्छा आगे चलेंगे जरा, ये गर्मी हो गई थी थोड़ी सी, थैंक यू। अब बढ़ गई, अब इंडेक्स को और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को बड़े गौर से देखिए। इंडेक्स में विद क्लैरिटी लिखा हो, फैसला करें कि आपके अनेक्सचर्स कौन से हैं, वो मुकम्मल हों तो बेल फाइल करें, क्लाइंट्स को कहें ले कर आए, इसके बगैर बेल नहीं फाइल करेंगे। सिर्फ ड्राफ्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड नॉट कन्विंस जजेस अबाउट मेला फीडे अल्टीरियर मोटिव, ये उसकी बेटर कॉपीज हैं तो वो उसकी लगी हों, सिर्फ 1,000-1,500 रुपये का खर्चा आता है केस के ऊपर, और उससे आपका इम्प्रेशन बदल जाता है पूरे केस का। 1,000-1,500 से ऊपर का खर्चा नहीं है, मैं समझता हूँ ये हक बनता है हर फाइल का कि एटलीस्ट 1,000-1,500-2,000 उसके ऊपर खर्चा हो। 3 फैसले भी अगर फोटोकॉपी करवा के मंगवाने हैं, हेड नोट्स पे कभी रिलाय नहीं करना। मंसूर अली शाह साहब की लेटेस्ट जजमेंट भी आ गई है, हेड नोट्स नहीं पढ़ने, पूरा फैसला बताओ। हेड नोट कहीं जा रहा होता है, पूरा फैसला, पिटिशन डिसमिस हुई होती है जिस पॉइंट पर आप, सो पूरा फैसला पढ़े, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, तो तब उसकी जो है वो बात की समझ आती है। आगे आ जाइए, चेकलिस्ट ऑफेंसेस को देखें, बेलेबल कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से हैं, पनिशमेंट कितनी है, डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, अल्टीरियर मोटिव क्या है, मेला फीडे क्या है, FIR कब की है, उसमें क्या फ्लॉज हैं, आपको रोल क्या एस्क्राइब्ड है, वायलेंट क्राइम में MLCs पोस्टमार्टम्स होल्ड एनॉर्मस सिग्निफिकेंस, वजह नात क्या है, आपको रिलेट करती है नहीं करती, कोई एक्यूज्ड की बेलों का स्टेटस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि को एक्यूज्ड का स्टेटस क्या है, हैव दे बीन एनलार्ज्ड ऑन बेल, किसकी बेल कैंसिल हुई है, चलान का क्या स्टेज है, एविडेंस के रिकॉर्डिंग की क्या स्टेज है। जब तक आपके परफॉर्मे पर ये चेक लिस्ट ना हो, एक एक सवाल का जवाब, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। सो को एक्यूज्ड स्टेटस, बेल्स का, चलान का स्टेटस, That is very, very important. अच्छा, recoveries क्या effect हुई हैं आपसे, that is also important. कि क्या, what recoveries, incriminating evidence, ये भी पता होना चाहिए आपको कि मैंने इतने दिन रिमांड के काटे, वो भी आप हाईलाइट करें, उस रिमांड के अंदर मैंने अपनी पूरी तफ्तीश दे दिए, और फिर बाज़कात कहीं से बेल लाना हो रही हो तो जजेस कहते हैं ऑफेंस भी सीरियस है, रिकवरी भी हो गई है, मजीद क्या आप रिकवरी करनी है, तो छोड़ देते हैं। रास्ता निकल आता है केस लॉ के अंदर से, आपने सिर्फ तमाम रास्ते खोलने और मेंशन करने कि सर अब मेरी फिजिकल कस्टडी इनकार्सरेशन, 27 PWs का केस है, एक भी एग्जामिन नहीं हुआ, 2 साल लग जाएंगे इसको, सो इतना अरसा मुझे अंदर रखने से व्हाट यूजफुल पर्पस, या वो जो लैंडमार्क प्रिंसिपल्स हैं कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता इन फेवर ऑफ इन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और बेल कैन नॉट बी विदहेल्ड एज पनिशमेंट,
सो बेल जो है वो दी जाए इन डिजर्विंग केसेस। जब आप ये कहेंगे तो जज साहब ये नहीं कह देंगे कि चलें ठीक है पर हम डायरेक्शन दे देते हैं? जी डायरेक्शन तभी होता है बेल की जगह। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजें, सिर्फ इस फॉर्म भेज दें, मैं भी एक सेकंड की ब्रेक ले लूं। आपका वैल्यू क्या हो जाता है इफेक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वो कहेंगे चलो ठीक है पर हम डायरेक्शन दे देते हैं आपको नहीं देते। सर इवन इफ चालान हैज बीन सबमिटेड, अब आपके पास मैं केस लॉ साथ लेकर जाता हूं कि सबमिशन ऑफ चालान और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल लेटेस्ट जजमेंट्स हैं 2020-2021 की, इज नो ग्राउंड टू रिफ्यूज बेल इफ ऑन मेरिट्स आई एम एंटाइटल्ड टू बेल। वो पता होना चाहिए जज साहब को, वही वो केस लॉ दे कि मेरे रास्ते कामयाब वकील वो नहीं जो सिर्फ अपना केस पढ़ के जाए, वो जो दूसरे मुखालिफ का वकील का केस सोच के आए कि उसने कहां से आना है, नब्स पे हाथ रखे, उसने कहना है सर आप डायरेक्शन दें बेल डिसमिस करें इसकी, तो आप कहें कि सबमिशन ऑफ चालान इज नो ग्राउंड, भेज दिया मुझे, मैं मोहम्मद साहब को भेजता हूँ, वो किसी तरह इस चीज को सामने ले आते हैं। सर किसी तरह इसको सामने ले, कंप्लेनेंट की तरफ से है तो आप कैसे नॉकआउट करवाएंगे? चलें ये कंप्लेनेंट की तरफ से है तो आप केस को कैसे नॉकआउट करवाएंगे? कैसे अपोज करेंगे? सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे द जेन्युइननेस ऑफ योर एफआईआर, द जेन्युइननेस ऑफ योर ग्रेवेंस, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पिटिशनर, द सीरियस रोल इस्क्राइब टू द पिटिशनर, द नॉन बेलेबल नेचर ऑफ द ऑफेंसेस, द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द लाइकलीहुड ऑफ एब्सकॉन्डिंग, supporting evidence in favor of the allegations, MLC, MLR, 161 के बयान और लोगों के, वो इकट्ठे करेंगे before going to finding of the investigation कि उसमें भी गिल्टी है, तफ्तीश में रिकवरियां भी हो गई हैं, सीरियस पनिशमेंट है, नॉन बेलेबल नेचर है, अभी गिरफ्तारी को सिर्फ इतने दिन हुए हैं, हमारा कॉन्डक्ट ठीक है, चलान भी सबमिट है, तो आप 7-8 बातों में आप अपना केस प्रेजेंट कर देंगे। यूज ऑफ प्रेसिडेंट केस लॉ बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर अंग्रेजी खुद लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आपको केस लॉ से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप जजमेंट को साइट करके वो एक्सट्रैक्ट्स लिख देंगे तो कोई आपको नहीं डांटेगा कि ये क्यों लिखी। ज्यादा लिखने पर और अच्छा लिखने पर और बेहतर लिखने पर कभी मैंने किसी जज साहब को किसी को क्रिटिसाइज करते नहीं देखा, इसी बात पे करते देखा है, ना आपने कोई ग्राउंड ली है, ना आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया है, ना आपने कोई असिस्टेंस दी है, चल ही रहा है, ट्रेंड ही है, पैटर्न ही है। सो अगर आपके बैकग्राउंड में ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हों तो आप देख लें कि फिर आपने मेयार, अच्छा वकील वही है सर जो ये सारे काम करके जाता है उसी को, अगर आपके पास ओदा नहीं है तो फिर क्या तरीका है टू बी अ सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर? इट इज ओनली हार्ड वर्क, देयर इज नो अदर रेसिपी, देर इज ओनली प्रोफेशनलिज्म, और उसकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। सो मल्टीपल सेट्स लेकर जाएं केस लॉ के, जज साहब के लिए भी हो, आपके लिए भी हो, बात वही है, 1000-1500 से ऊपर का खर्चा नहीं है, 2 या 3 फैसले होते हैं जिनकी फोटोकॉपी करा के 2 सेट रखने, थोड़े से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगा के रखने। सो use of precedence
precedent relying on similar cases and case law and decisions would have a lot of persuasive effect. Although each case has its own circumstances, but nevertheless, इसका बड़ा अहम जो है वो अमल दखल है। इसका रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड और फैक्ट्स के साथ कैसे रखते हैं आपको? I mean, आपने यू मेरे पास how do you do this? I belong to the old school. I maintain a register. My मेरी जो टीम है वो मिनट में फोन से कुछ करती है, ये निकाल लाती है कि ये है। सो अक्सर हम गाड़ी पर मोटरवे में जा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ वो केस, वो साइटेशन, वो पोर्शन, तो स्क्रीनशॉट्स रेलेवेंट पैराग्राफ्स के वो पढ़ा रहे होते हैं, मैं अपने नोट्स, मोबाइल फ़ोन, तीन फ़ोन, एक लैपटॉप, रस्ते में काम हो जाता है। फिर कहते हैं एक मैसेज पीछे जाता है कि ये फैसला पूरा भेजा जाए, चार पूरे फैसले आ जाते हैं, इस्लामाबाद बताया जाता है लाइब्रेरियन को कि चार केसेस निकाल लो। अब जरा मैं देखना चाहूंगा इसको, ग्राउंड ए स्पीच से, ये शहबाज गिल नहीं है, ये इमरान खान है। क्वेश्चन की कोई ग्राउंड नहीं बनती। नो थ्रेट्स वर एक्सटेंडेड। सी, एग्रीव्ड पार्टी तो आगे आई नहीं है, एफआईआर ना मैडम जेबा ने पर्चा किया है, ना आईजी ने किया है। पराई जज पे अब्दुल्ला दीवाना कोई और ही शख्स है जो कह रहा है पर्चा होना चाहिए, वो क्यों आया, उसकी लोकस स्टैंड आई नहीं बनती। डी, ऑब्जेक्ट और डिजाइन सेक्शन 6 और 7 के टेररिज्म के वो ही नहीं अट्रैक्ट हो रहे। ई, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट में वो कह रहे हैं एक्टस रिया और मेंस रिया साथ में मिलेंगे तो दहशतगर्दी होगी, गुलाम हुसैन केस लेटेस्ट, तो वो देखा ही नहीं है। नेक्स्ट, उसकी स्टेट मशीनरी मिसयूज हो रही है पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए। नेक्स्ट, अल्टीरियर मोटिव है, और आई के मेलाफीडे विजिबली एपरेंट सेक्शन 6 और 7 की, इन द एब्सेंस ऑफ पीपीसी 1860 ये स्ट्रेच किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ वी गिव आर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, इसको डेवलप करना शुरू करें, और उसके बाद पूरी पिटिशन तो अगर मैं कर दूंगा, दो चीजें मुझे भिजवाएं, शहबाज गिल की पोस्ट अरेस्ट बेल, और ये भिजवाएं मैं अहमद कयूम साहब को देता हूं, या कोई और भी जो आप मुझे डायरेक्टली भेज दो, आपको आपका इनके पास नहीं हो, 0300 8456, ताकि वो सारों से एक पैटर्न शेयर कर। तो इसमें आपने केस लॉ वगैरह नहीं है, कुछ इस तरीके से डिसाइड करते हैं आपने? ऑलराइट जी, सारा हम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं आप, वो कह रहे हैं कि कोई केस लॉ आप साइट करते हैं, आप पूरी पिटिशन जरा भेज दें आप। देखिए ना, मैंने कहा है मेनली ऑन द ग्राउंड्स एंड देन वी गिव पंच लाइन और मेन बुलेट पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं इस पर आया हूं, फिर बाद में हम लेबरेट। सो दो मौकों पे, वो कहते हैं ना प्रेयर में बताओ, जजेस प्रेयर पढ़ते हैं या शुरू में, क्या लेने आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, क्यों दे दें। मैंने किसी भी आजकल पटिशन में, बस पटिशन फाइल हुई होती है, कोई मौजा हो जाए, कोई गायब का इल्म आ जाए और आप दे दें, मैंने लिख कर भी नहीं बताना, मैंने बोल के भी नहीं बताना, मैंने कोई असिस्टेंस भी नहीं देनी, रिलीफ मिल जाए। रिलीफ कैसे मिले, स्पेशली व्हेन द जजेस मेक अप देयर माइंड्स द नाइट बिफोर, व्हेन दे रीड योर पिटिशंस, पढ़ के आते हैं। इन द मीनवाइल हम वापस उसमें, रुकवा दिया था पहली पेशी पर कि चलान नहीं सबमिट करें। अच्छा, अब आपको देखिए,
समझ गया हूँ मैं आपकी बात। देखिए अब यही बात है, कर्नल शाह सादिक का केस आया, रमदे साहब की जजमेंट आई, जिसके बाद स्कोप बड़ा नैरो हो गया क्वेश्चन का। उन्होंने कहा अल्टरनेट रेमेडीज मौजूद हैं, पहले वो जाके अवेल करें। तो देखिए जो चीज़ भी लेने जा रहे हैं उसके ऊपर जितना कानून डेवलप हुआ है उसको पढ़े बगैर अगर हम जाके रिलीफ मांगते हैं तो वो नहीं मिल नहीं सकता। पता होना चाहिए कि आपने उसमें से कैसे बाहर निकलना है। मैंने आप वाली बात अतर मनेला साहब को कही कि सर मैंने आज ये पिटीशन मूव की है ना, इन्होंने अगली पेशी पर आकर कहना है हमने तो चालान सबमिट कर दिया है ताकि मेरी पिटीशन टेक्निकल नॉकआउट हो जाए। उन्होंने कहा ये आप नहीं करेंगे। सो जो उसने कहना है ना वो आप कह दे पहली पेशी पर कि इन द मीन वाइल IO is directed to continue with the investigation but not to submit challan till this petition is decided by this court. ये आप अपने interim का order लें, ठीक है जी? आ रही है, लग रही है। Post arrest bail, similarly principles. मेलाफिडे और अल्टीरियर मोटिव भी हाईलाइट कर रहे हैं। फर्दर इंक्वायरी 497 सबसेक्शन 2 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जजेस ये बहुत देखते हैं डिटेंशन कब से, डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, पटिशनों में उसका जिक्र किया करें। और अब मैं मोहम्मद साहब को ये कहूँगा कि अब मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ कि जितना केस लॉ सामने आता है आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। लॉ ऑफ बेल पर जितना ज़बरदस्त हमने आज दिन तक जिन केसेस पे हम रिलाई करते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते जाएं, बाद में लिखते जाएं ताकि अब तो 5 मिनट्स में केस लॉ हम कर लें। आपने स्नैप ले लिया तो हम आगे चलते हैं। स्लाइड्स अवेलेबल होंगी सारी की सारी, अभी आप फॉरेन ग्रुप के ऊपर ग्रुप ठीक है, अगली स्लाइड आप इनको दे दें प्लीज। गूगल में सर आपके नाम से अगर वो किया जाएगा तो निकल आएंगे। अच्छा चलिए आप ये देखें, ये प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल पे है, मुझे पता था सबसे ज्यादा आपने खुश होना ही केस लॉ की तस्वीरें लेके, ये मुझे पहले ही पता था। तो मैंने कहा था दो जितना खजाना है निकालो सही, खजाना शेयर करने के बाद भी अगर आगे शेयर कर आप प्लीज, मैं चाहता हूं एक आपको पता चल जाए हम केस कैसे तैयार करके जाते हैं। और ये अब छाप मेरे अगर 8 बच्चे बैठे इनका ड्राफ्टिंग का अंदाज वही है जो मेरा है, वही स्टाइल रखते हैं कि जो सीख कर आए। मल्टीपल केस लॉ जी, प्री अरेस्ट की बेसिक प्रिंसिपल्स, ये जब आप देखिए इतना केस लॉ शेयर कर दिया है कि तस्वीरें ना ही बनाएं, रात को बैठ के अपनी डायरियां भर लें और आने वाले वक्त को सिर्फ अपडेट करें इस केस लॉ को कि तमाम कैटेगरी, ये कौन सी स्ट्रेट अवे अरेस्ट पे आ गई कि नहीं कर रही गिरफ्तारियां, सुगरा बीबी है, कब हाईकोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं बेल लेने, ये वो केस लॉ है, केसेस ऑफ बेलेबल में कब है, नॉन बेलेबल में, लैंडमार्क केसेस, तारिक बशीर, मैटर ऑफ राइट कब होगा, ये जब बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, फर्दर इंक्वायरी पर केस लॉ है जी, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस कैन बी रिफ्यूज्ड, ये केसेस हैं कि जिन पे रिफ्यूजल हो जाएगा। वैसे अगर आप सजेस्ट करें आप बड़े हैं तो ताकि ये यंग जनरेशन खुद सारा केस लॉ ढूंढे और पढ़े आज के लेक्चर से मोटिवेट होके, अगर आप कहें तो मैं केस लॉ डिलीट कर दूं सारा, मैं अपने पास रखूंगा, आपको नहीं देता। आज जो मेन तोहफा दिया ना, ये देखिए मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल है, मैंने सब कुछ इसमें, सारी बातें यहां नहीं हो सकती, क्रैश प्रोग्राम 2020 का मैच हम खेल रहे हैं तो
तो ये लिखा हुआ सारा कुछ आ गया है, इस लेक्चर को देख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, यहीं पर अवेलेबल है। राबता नंबर भी एंड में दिया हुआ है, ईमेल करके कोई चीज़ लेनी है आपने वो भी। और एक मैं चाहूँगा कि अहमद क्यूम साहब, अगर बिफोर आई से गुड बाय टू यू, एक अहमद क्यूम साहब पूरी रिट पिटिशन को ज़रा अगर चला सकते हैं। मैं खोलने लगा, एक दो सवाल जनाब से क्विकली करने थे। एक तो सेकंड वेल एप्लीकेशन का आपने बीच में बता दिया, फर्क ग्राउंड्स पे होती है? नहीं, मैं सवाल बड़े तराश के रखते हैं। नहीं नहीं, मैंने फौजदारी की काक नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ। आपने कमाल बात की है ना, जजेस का इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट व्यू है, सेकेंड बेल एप्लीकेशन विल ओनली बी इंटरटेन्ड इफ देर आर न्यू ग्राउंड्स एंड फ्रेश ग्राउंड्स। और उससे भी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत तब पैदा होती है, वो कहते हैं कि वो ग्राउंड्स हमने इंटरटेन नहीं करनी जो मौजूद थी और आपने उस वक़्त नहीं ली अपनी नाअहली की वजह से। सो सेकेंड बेल एप्लीकेशन उसी बात पर होती है कि सब्सिक्वेंट टू द डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट, समथिंग न्यू विच चेंजेस द कम्प्लेक्शन ऑफ द केस एंटाइटलिंग द अक्यूज्ड और विच हैज एक्सपोज्ड और रिवील्ड द बेला फीडे अल्टीरियर मोटिव और फर्दर इंक्वायरी फॉर द अक्यूज्ड, सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन विल ओनली बी इंटरटेन्ड मेडिकल की कोई बात आ जाए। ऐसी ग्राउंड जो एग्जिस्ट करती थी और आपने तब ली ना हो, वो एंटरटेन नहीं होगी। जज साहब कहते हैं कि आप वापस, जज साहब नहीं मान रहे तो वो कहते हैं कि मैं आप वापस लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या करना चाहिए जब आप विड्रॉ कर जी तो तब आप वापस मेरिट पे खारिज कर देखिए। हाँ, सो मेरिट पर खारिज आपके लिए आसानी हो जाती है। अब ट्रेंड मैंने तो आपको बता दिया कि बेल का ऑर्डर लिखवाना नहीं चाहिए, मगर उसमें अगर तो आपके लिए दिक्कत तब होती है अगर आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रोग्राम है और आपको पता है कि बेल बनती है और जज साहब नहीं दे रहे, तो मैं कहता हूं ऑर्डर लिखें, जरा दिक्कत उनको भी हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं कन्विंस्ड हूं मैं ऑर्डर लूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जेन में रखें आप अपनी विजन्स को इतना महदूद ना रखें, आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाना है इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट कहती है सिर्फ ऑर्डर निकालो और उसमें फ्लॉ बताओ क्या, क्यों जी वो हमें ऑर्डर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। अगर ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं है फिर सुप्रीम कोर्ट को सारा केस देखना पड़ता है जो वो उस मूड में नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में जजेस 9:30 आते हैं और 10:30 काम खत्म हो जाते हैं एक घंटे में, हमें थैंक यू वेरी मच कह दिया जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जो सक्सीड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस सिर्फ उसको मिलेगा जो इन लेक्चर्स और इस कोर्स पे अमल दरामद करेगा, मैं ये भी बताऊं लाइसेंस ही नहीं मिलना, करियर हाई कोर्ट पे ही ख़त्म हो जाएगा। उसकी तैयारी ये कि आप अपनी, पूछा जाता है ना कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं कैसे आएंगे, वो तब आएंगी जस्टिस जवाद हसन साहब के मशवरे पर अमल दरामद करोगे जो उन्होंने मुझे दिया मैंने आपको आगे दे दिया कि जजेस के लिए तैयार करके लेकर जाएं खूबसूरत तरीके से। कि ये तीन चीजों का स्कोप बहुत नैरो है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, एडिशनल एविडेंस और कैंसलेशन ऑफ बेल। कैंसलेशन ऑफ बेल नंबर वन जो हमारा सेटल्ड प्रिंसिपल है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल ग्राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉल अ बेल ऑर्डर। What are those strong and exceptional grounds? के बेल जो दी ग्रांट की गई that was against the record, against the material available on record, erroneous appreciation and an erroneous order is the main ground. Landmark judgment cancellation पे 2020 SCMR 1115 है, 2020 SCMR 2020 SCMR 1115। सो कैंसलेशन में उसी कोर्ट के पास होती
कैंसिलेशन ऑफ बेल अगर तो ब्रीच है ऑर्डर का उसी कोर्ट का, ब्रीच ऑफ बेल ऑर्डर, कोई बेल कंडीशन, तो यू कैन गो टू द सेम कोर्ट और वुड बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट अंडर 497(5). And these powers are very rarely exercised if, whilst on custody, there is evidence of interference with the evidence, commission of further offences, misuse of the concession of bail. बाहर के मुमालिक में बेल के ऊपर होते हुए लोग बहुत केयरफुल होते हैं. जरा सी बेहतियाती हुई नहीं तो आप बहुत हैरान होंगे. मैं चाहूंगा कि जरा देखें इंडियन कोर्ट्स की अप्रोच. देखकर मैं बहुत हैरान हुआ. कोई ग्लैमरस बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी. शाहरुख खान के बेटे का जरा बेल ऑर्डर देखिएगा कि क्या क्या कंडीशंस रखी हैं उसके ऊपर. आपको पता लगेगा इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस कितनी तेजी से विथ चेंजिंग टाइम्स बदल रही है. शायद उसमें ऐसी बात भी है. नौजवान है ना, रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे घर से, कुछ ऐसी बात भी है. तो वो डेवलप हो रहा है वहां का लॉ. उसको जरा शहबाज गिल का जरा दिखा दे जी. ये आप देखिए कि ये हमारी इंडेक्स है. नीचे आ गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे अनेक्सचर्स कि किन किन बातों पे एवरी डॉक्यूमेंट हैड सिग्निफिकेंस वी रिफर टू इट. ये सारे ऑफेंसेस किसी में कोताही नहीं करनी. जजेस के लिए ऑर्डर लिखवाने में बड़ी आसानी होती है. पिटिशनर से एक पोस्ट अरेस्ट बेल इन एफआईआर नहीं, 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 पहला पैराग्राफ हमेशा सारे लिखते हैं कि बस जो ऊपर लिखे आप ना लिखें, आप ना लिखें मैं और द और दैट से भी शुरू करने की भी कोई जरूरत नहीं. अच्छा अब एक मिनट रुक जाए. ग्राउंड नंबर 2 देखें. अब देखें आप पढ़ लें ग्राउंड नंबर 2. स्क्रीन आपके सामने कि हम क्यों बेल मांग रहे. अच्छा जी इसको अब मैं तेजी से जरा ग्राउंड्स के बाद. अब ये देखिए अब ये बैकग्राउंड पैराग्राफ 3 में हमने बैकग्राउंड लिखा. पैरा 4 में इसका लिखा प्रोफेसर है, यहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया, तरीके इंसाफ ज्वाइन की, मुझे बुलाया, मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद एक मेरे ऊपर एफआईआर हुई, मुझे बहुत बुरे तरीके से अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद मैं इतने अरसा मैं कस्टडी में रहूँ, मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ, मेरा रिमांड लिया गया, एक वो अलहदा जो सारा सर्कस, और उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे बेल दे और मेरी ग्राउंड ये हैं. सिविल के अंदर फ्रॉड के अगेंस्ट इसकी मैलाफिडे की होती है. यू हैव टू स्पेल आउट के फलां बंदा इसके अंदर करने की जरूरत होती है. यू हैव नॉट नेम्ड एनी नेम्स. नो नहीं नहीं जरूरत है. वो हवाई मखलूक. ओके जी हवाई मखलूक. ए बी मेरी कोई जनरल ग्राउंड आप नहीं देखेंगे. सी मैं किसी केस लॉ का भी जिक्र शुरू कर रहा. डी अब मैं यहां रुकता हूं. मैं यहां रुकता हूं कि मैंने इस केस का हवाला क्यों दिया. मेरे ऊपर इल्जाम यह था कि आपने लोगों को कहा है कि कोई गैर कानूनी
बात नहीं माननी अपने सुपीरियर की। तो मैंने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट में असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि लीगल ऑर्डर्स नहीं मानने, कायदे आजम की अपनी स्पीच में था कोई लीगल ऑर्डर्स नहीं मानने। ई अब ये देखिए ये पूरा जजेस के लिए भी आसानी है ऑर्डर देने में। एफ जी अभी तक ग्राउंड्स चल रहा मेडिकल, अब मैंने मेडिकल शुरू किया है जी पर लाकर, मेडिकल से आगाज नहीं किया मैंने, कमजोरी है। मैं क्यों कहूं मैं बीमार हूं, मैं ये अक्सर वकला बात यहां से शुरू कर रहे होते हैं, पहले इस पर कभी नहीं बेल होनी। यू कैन तारिक सलीम शेख साहब भी दे रहे हैं, जवाद साहब भी दे रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। सर आप इंप्रूव करें 2022 के मुताबिक। मैंने कहा इट इज योर बेबी, बिल्कुल दे आप हेडिंग्स। यहां पर मेडिकल को लाया हूं, आई पर आ गए जे, आप केस लॉ शुरू कर दिया। टॉर्चर की तस्वीरें लगाई थी नहीं? अच्छा जी बे नहीं मैं जनरली आई वाज आस्किंग के जनरली करने से आर्टिकल 1 आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत को भी काफी डेवलप होने की जरूरत है, उस पर रहनुमाई भी चाहिए, जजमेंट्स भी चाहिए कि उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी का एविडेंस, ये अब दिन आने वाले वक्तों में टेक ओवर कर जाना है इसने कम्प्लीटली, ये थोड़े दिनों की बात है। प्रेयर मैंने बड़ी छोटी सी लिखी है कि मुझे आज़ाद कर दे, मुझे बेल दे दे। पोस्ट रेस्ट बेल भी जो मैंने ऊपर बातें लिखी हैं उनकी रोशनी में, अंडर दी सर्कमस्टांसेस एंड इन लाइट ऑफ दी सबमिशंस, प्रेयर सर छोटी होती है, मुख्तसरी रखना चाहिए और विद क्लैरिटी। कोर्ट्स मल्टीपल प्रेयर्स को पसंद नहीं करती, मल्टीपल प्रेयर्स को और अगर 497 में वो पर्चा क्वाश तो नहीं ना कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक ही रिलीफ है कि ठीक है जी आपकी पिटिशन एक्सेप्टेड, बेल ग्रांटेड, इसे बियॉन्ड जाना नहीं है इसने। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज टॉक, बार ऑलरेडी शाम हो चुकी है। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड यू लिसन टू द लेक्चर विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट whilst having your attention intact. It is a compliment to you sir, ke usko kehte itni der itni concentration ke sath doston ne aapko kiya hai, because wakeel amuman dusron se apne se ke usko kehte hain achievement ke andar agar kisi ko behtar consider karta hai usi se seekhta hai, and sare ke sare aapko yahan pe aana apna kya keemti waqt hame dena uska hum tahe dil se aapke liye shukrgozar hain. It is actually a truly an honor for us